ची। और और के बाद हस्ता भी है, हाँ। है। नाइस शुरू दे फिर, फिर, फिर एक सा अच्छा अच्छा आता 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 है। है। <laughs> सबसे खतरनाक मेरे दादा होते थे दादा के पास हाँ। गए बोले कहां से आ रहे बोले कोचिंग से बोले कौन सी कोचिंग फिजिक्स की व्हाट इज फिजिक्स यही तो नहीं आता बाकी सब आता है व्हाट इज फिजिक्स नहीं आता बस

पे से रिलेटेड डेटा साइंस वगैरह वगैरह पढ़ाते yes. हैं एंड दूसरा काम करते हैं बक्चोदी yes. तो आज हम दोनों को मिक्स करके एक वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं yes. तो आकर्ष व्यास वे टीच पाइथन एंड हमारा सफर थोड़ा लंबा जाने वाला है पायथन पढ़ने के बाद डेटा साइंस और कुछ और चीज़ें जो आकर्ष बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा तो सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूँ ये जो पूरी सीरीज होने वाली है इसमें अपन कम से कम छः से सात वीडियोज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो जो आज जो तुम पहली वीडियो देखने वाले हो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स मतलब सीरियसली अगर तुम लोगों ने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत भी लैंग्वेज के बारे में तुम्हारे को ये सब बहुत आसान लगेगा बट ऑब्वियसली तुम्हारा रिविजन हो जाएगा और जिसने बिल्कुल कंप्यूटर खोला भी नहीं है या फिर उसको ये भी नहीं पता पाइथन का पी क्या होता है फिर कंप्यूटर का सी क्या होता है उसके लिए सब बहुत आसानी तो तो जो बंदा अभी फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहा है या पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं हमारे प्लान आपके लिए डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन, मशीन लर्निंग में जाने के हैं और उसके लिए पायथन जरूरी होता है दैट इज वाई वी आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप अच्छा बाई द वे हम लोग एक काम करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू जब खत्म होगी तो कुछ डेट्स आएंगी Last और शुरुआत में भी डाली देते हाँ. शुरुआत में भी डाल देते तो कुछ डेट्स yes. आएंगी जब जब क्या क्या, क्या लॉन्च होगा रिलेटेड टू पाइथन तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। स्कूल एंड टाइम वी शुड स्टार्ट दीडियो लेट्स गो टू स्क्रीन लेट्स तो स्क्रीन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और अपन स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन से तो सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर दूं ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं दिस इज अ वीडियो फॉर बिगनर लेवल स्टफ मतलब तुम्हारे को अगर अच्छे से आती है पाइथन तो तुम लोगों को बहुत इजीली हर चीज़ समझ आएगी बट स्टिल मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम इसको वापस से रिवॉज करो जिससे तुम्हारा और कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और जिसको अगर कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता भैया मेरे को तो कंप्यूटर का सी भी नहीं पता पाइथन का पी भी नहीं पता तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं सारे ए बी सी डी ए से लेके जेड तक सब चीज़ें बता दूंगा क्यों बिकॉज दिस वीडियो इज मेड फॉर दी पर्पज जिससे सब कुछ चीज़ें क्लियर हों ठीक है और ये एक वीडियो तो रहेगी नहीं इसकी पूरी एक सीरीज आने वाली है वो मैं स्टार्टिंग में तुम्हें सब कुछ पता लग ही गया है तो चलो लेट्स स्टार्ट आर वर्क विथ पाइथन और सबसे पहले समझना पड़ेगा हाउ पाइथन वर्क्स तो पाइथन की वर्किंग समझाने के लिए मैंने एक बहुत प्यारी सी तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है छोटी सी उसको देखो और फिर अपन आगे बढ़ेंगे ठीक है लेट्स गो सबसे पहले वीडियो वॉच करते हैं तो पाइथन के बेसिक समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा पाइथन की फाइल क्या होती है तो इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ फाइल जब भी मैं छोटा था और जब वो ब्लूटूथ का एरा चलता था और मेरे को गाने डाउनलोड करने रहते थे तो गाने में हमेशा डाउनलोड करता था डॉट एम फॉर्मेट में मतलब गाने का नाम लिखा रहता था और आखिरी में एक एक्सटेंशन डॉट एम जैसा कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो अब सेकेंडली जब भी मेरे कोई वीडियो डाउनलोड करनी रहती थी तो वीडियो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एक वीडियो का नेम होता था और फिर उसके बाद एक एक्सटेंशन होता था डॉट एम फोर करके तो अब होता क्या है ना जब भी किसी फाइल की बात करें फाइल का एक नाम होता है और एक एक्सटेंशन होता है तो इसी तरीके से पाइथन में भी यही यही चीज सेम प्रोसेस फॉलो होता है पाइथन की फाइल बनाने के लिए तुम्हें तो सबसे पहले पाइथन का नाम लिखना पड़ेगा जो भी फाइल का नाम है और उसके आगे लिखना पड़ेगा डॉट पी वाई डॉट पी वाई फाइल तैयार हो चुकी जो लिखना है तुम लिख सकते हो चलो अगर तुम इतना है अपना कैसे वर्क करता है। जो कंप्यूटर है वो थोड़ा हरामी टाइप का है क्यों हरामी टाइप का मैं समझाता हूँ वो पढ़ता है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज अब तुम बोल रहे हो भैया क्या होती है बाइनरी लैंग्वेज मैं तुम्हें दिखाता हूँ एग्जाम्पल बाइनरी लैंग्वेज कुछ ऐसी दिखती है और कुछ ऐसी और कुछ ऐसी <laughs> मतलब तुम ऑल समझ गए ये लैंग्वेज जो है बाइनरी काफी ज्यादा टफ होती है क्योंकि ये सिर्फ वन और जीरो के फॉर्मेट में चीजों को पढ़ती है यार भैया अब इसमें तो हम लोग कोड लिख नहीं सकते तो अब करें क्या इसके लिए भी अपने पास एक सॉल्यूशन है गो ठीक है तो अपन जो बाइनरी लैंग्वेज को पढ़ तो सकते नहीं या फिर उसमें कोड तो लिख नहीं सकते तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने कुछ चीज़ों का निर्माण किया और वो चीज़ है सी C, C++, Python, Java, Kotlin या फिर अपन बोल सकते हैं अपनी लैंग्वेजेस अब इन लैंग्वेजेस के अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना रहता अपनी लेमैन लैंग्वेज जो इंग्लिश होती है जिसको अपन समझ सकते हैं ईजी टू रीड होती है उस लैंग्वेज में अपन अपना कोड लिख सकते हैं और वो कोड कन्वर्ट होता है बाइट्स कोड में और फिर बाइट्स कोड कन्वर्ट हो जाते हैं बाइनरी फॉर्म में अब ठीक है भैया मैं समझ गया कि मेरे को एक लैंग्वेज बनानी है और लैंग्वेज के अंदर अपना कोड बोर्ड लिखना है और ऑटोमेटिक सारी चीजें कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये चीजें कन्वर्ट करता कौन है सिर्फ और सिर्फ दो चीजें कन्वर्ट करती है is, चलो आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ कंपाइलर और इंटरप्रेटर वर्क कैसे करता है लेट्स से ये मेरा पूरा कोडिंग का एरिया है इस पर मैं पूरा कोड करने वाला हूँ ठीक है अब इस कोड में मैंने क्या किया मैंने चार पांच लाइनें लिखी इस कोड में ठीक है अब कंपाइलर करता क्या है इन चार पांच लाइनों को एक साथ एग्जीक्यूट करता है या फिर इन सारी की सारी लाइनों को एक साथ रीड करता है और उन्हें कन्वर्ट कर देता है जीरो वन जीरो वन जीरो 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 वन वाले फॉर्म में या फिर अपन बोल सकते हैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है हाँ इसके पहले बाइट कोड में भी कन्वर्ट होता है बट इन ऑल एट लास्ट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है लेकिन अब अगर मैं बात करूँ अपने इंटरप्रेटर की इंटरप्रेटर क्या करता है इंटरप्रेटर के पास भी सारे कोड ऑफ लाइन लिखा रहता है लेकिन वो करता है सबसे पहले एक लाइन को एग्जीक्यूट उसको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में और फिर क्या करता है अगली लाइन को पढ़ता है फिर इसके बाद अगली लाइन को पढ़ता है फिर इसके बाद अगली लाइन को पढ़ता है और फिर अगली लाइन को पढ़ता है तो मतलब तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क क्या होता है कंपाइलर मतलब सारा का सारा काम एक साथ निपटाना इंटरप्रेटर मतलब एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करते जाना बाद में जब तुम वीडियो में आगे प्रोग्रेस करोगे तुम्हें समझ आएगा कि कैसे इन दोनों में फर्क होता है क्यों क्योंकि अपनी जो पाइथन होती है वो होती है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज मतलब लाइन बाय लाइन एक एक कोड को रीड करके एग्जीक्यूट करना अपनी पाइथन का काम होता है अब चलो ठीक है मेरे को ये भी समझ आ गया कि मेरी पाइथन क्या करती है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है फाइल कैसे बनती है पाइथन की लेकिन भैया अपन कोड कहाँ पे करेंगे सबसे पहले तो तुम्हें एक इंटरप्रेटर डाउनलोड करना पड़ेगा तुम्हें तो पता है पाइथन के इंटरप्रेटर का नाम क्या है इंटरप्रेटर का नाम है सी पाइथन करके और ऑब्वियसली सी पाइथन ज़्यादा दिखता नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ हम बोल सकते हैं पाइथन हाँ मतलब पाइथन ही पाइथन के इंटरप्रेटर का नाम है चलो ठीक है अब उसको अगर अपन ने डाउनलोड कर लिया तो सेकंड चीज अपने को जो डाउनलोड है, वो है वी एस कोड वी एस कोड बताऊं क्या है वी एस कोड है कोड एडिटर जिसके अंदर अपन अपना कोड लिखेंगे तो जैसे ये दोनों चीज अपन ने डाउनलोड कर ली उसके बाद अपन प्रोसीड कर सकते हैं तो चलो अपन चलते हैं स्क्रीन पे और थोड़ा बहुत कोडिंग देखते हैं तो चलो तुम्हारे को अगर समझ आ गया हाउ पाइथन वर्क तो पाइथन वर्किंग में तुम्हें समझ आ गएगा व्हाट इज अ कंपाइलर व्हाट इज अ इंटरप्रेटर अपनी पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है क्या क्या चीजें होती हैं कोड एडिटर क्या होता है एवरीथिंग एवरी एवरी एवरीथिंग ठीक है अब इसके बाद जो अपने को सीखना है दैट इज हाउ

पायथन और तो लिखना है पाएथन डाउनलोड जैसे तुम पाइथन डाउनलोड लोगे तुम्हारे को एक फर्स्ट ऑप्शन देखेगा दैट इज डाउनलोड पाइथन ठीक है तुम्हें उस पर क्लिक करना है और जैसे ही तुमने उस पर क्लिक किया तुम्हारे को और बहुत सारी चीजें दिखेंगी और सबसे ऊपर एक चीज दिख रही होगी तुम्हें मैं जूम करके दिखाता हूं दैट इज आर डाउनलोड ठीक है इस डाउनलोड्स पे जाओगे ऑल रिलीजेस पे जाओगे और पाइथन थ्री पॉइंट वन टू पॉइंट वन को डाउनलोड कर लेना ठीक है यू जस्ट हैव टू सेव इट और जैसे तुम डाउनलोड करोगे तुम्हारे को अपने फोल्डर्स में दिख जाएगा डाउनलोड्स में ठीक है तुम्हें अपने उस पायथन की फाइल को खोलना है और तुम्हें करना है इंस्टॉल तो इंस्टॉलेशन तो काफी ईजी चीज होती है बट तो हो उसमें बीच में एक ऑप्शन आने वाला है पाथ पाथ का टू करके ठीक है को तो उस पर क्लिक कर देना क्योंकि बाद में जब अपन मशीन लर्निंग देखेंगे और सब चीज़ें देखेंगे उसमें तुम्हारे को थोड़ी आसानी पड़ेगी ठीक है जैसे ही हो गया तो उसमें तुम्हारे को दो दो चार चीजें और दिखती है मॉडिफाई रिपेयर रिपेयरइंस्टॉल तो मेरे को तो मॉडिफाई करना है क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ और ये कर दिया मैंने इंस्टॉल तो जैसे ही तुम इंस्टॉल कर लोगे तुम्हारे को इस तरीके का एक पेज देखेगा जिसमें लिखा है इंस्टॉलेशन बॉज

ठीक है ना ऑब्वियसली मैं गरीब आदमी हूँ मेरे पास मैक नहीं है तो मैं क्या यूज करूंगा विंडोज खैर गरीब तो नहीं है क्योंकि जो सिस्टम है हमारा एक्स रे एक्स थ्री पता नहीं कितने रुपए का बट अच्छा खासा है ठीक है तो मेरे पास विंडोज है मैं विंडोज पे दबाऊंगा देयर वी गो और यहाँ पे तुम्हारे को एक ऑप्शन आने वाला है आने वाला है आने वाला है यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा क्योंकि पता नहीं कैसे हमारा इंटरनेट थोड़ा सा डाउन हो गया फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए वेदांत सर और उसके बाद अपन उसको कंटिन्यू कर देंगे ठीक है चलो हो गया फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ऐसे तुम देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा डाउनलोड का ऑप्शन तुम्हें तो बस सेव करना है और ये नाइनटी एम का एक वी एस कोड की चीज़ होगी वी एस कोड का इंस्टॉलर होगा उसको अपन डाउनलोड कर लेंगे वंस यू हैव डाउनलोडेड इट जस्ट क्लिक ऑन इट आई एक्सेप्ट दी एग्रीमेंट नेक्स्ट अब नेक्स्ट करते ही यहां पे रुको थम जाओ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसको ध्यान से सुनो यहां पे तुम्हें जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं ठीक है मेरे को पता है ये होगा, ये होगा होगा और ये होगा सबको क्या कर दो टिक कर दो एवरी एवरीथिंग तुम्हें कुछ नहीं करना सबको क्या करना है बस टिक करना है सबको टिक करो बाद में तुम्हारे को इसको यूज केस बताऊंगा क्यों टिक करवाया था और फिर कर दो नेक्स्ट और फिर कर दो इंस्टॉल ठीक है सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू इंस्टॉल वी एस कोड मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वापस से वो थोड़ा बहुत क्या कर देता है उसमें एडिटिंग वेडिटिंग कर देता That's it. है दैट सेट ठीक है तो मैं बस इंस्टॉल करना इंस्टॉल होगा और बस क्या कर देना फिनिश ठीक है लॉन्च हो जाएगा लॉन्च करने के बाद उसको सीधे क्या कर देना अपन कट कर हैं क्योंकि इसकी कोई अभी जरूरत नहीं है तो अब तुमने दो चीज़ें इंस्टॉल कर ली दैट इज अपना पाइथन और वीएस कोड ठीक है तो यही दो चीजें करनी थी कि हाँ भैया हो गई फिर क्या करना है मेकिंग अ फाइल इन पाइथन अब फाइल कैसे बनाते हैं चलो अब बहुत ध्यान से सुनना फाइल बनाने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एक काम करना अपने डेस्कटॉप पे आना डेस्कटॉप पे बना देना एक फोल्डर क्या बनाना है एक फोल्डर न्यू पे जाओगे फोल्डर पे दबाओगे और फोल्डर पे लिख देना जो फोल्डर तुम नाम देना चाहते हो मैं लिख रहा हूं पाइथन वीडियो और मैंने इसको एंटर कर दिया तुम्हें जो भी नाम देना तुम दे सकते हो अब इस फोल्डर के अंदर अपन क्या करेंगे सेपरेट फाइल्स बनाएंगे जिसके अंदर अपन पूरी अपनी कोडिंग करने वाले हैं ठीक है अब कैसे सबसे पहले इस फोल्डर को मैं ओपन करूंगा अपने वी कोड के अंदर ठीक है जैसे ही मैं अपने वी कोड के अंदर ओपन करूँगा फिर उसके अंदर मैं अपनी फाइल्स क्रिएट कर सकता हूं देखो कैसे जैसे ही तुम फोल्डर पे आना है राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करके तुम्हारे को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और उसमें से एक छोटा सा ऑप्शन होगा अपन जूम करके देख सकते हैं एडिटर भैया वेदांत भैया ने कर दिया होगा और तुम्हें दिख रहा है ओपन विथ कोड क्या दिख रहा है तुम्हें ओपन विथ कोड ना वट इज दिस ओपन विथ कोड और क्या होता है ओपन विथ कोड जब तुमने याद करो इंस्टॉलेशन किया था और उसमें जो चेकबॉक्स थे ना अगर तुम वो टिक नहीं करते तो तुम्हारे कोई ऑप्शन नहीं दिखता और जैसे तुमने ये वाला टिक किया तो ऑप्शन दिख गया और अगर तुमने इस पर दबाया तो अपना वी एस कोड ओपन होगा और उस वी एस कोड के अंदर कुछ इस तरीके से क्या मिलेगा एक अपने को सीधे सीधे एक पेज मिलेगा ठीक है एंड दिस इज आर वी एस कोड ये वेलकम वाली चीज को तुम क्रॉस कर सकते हो अब कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत एक और चीज़ बोलूंगा ये एक्सटेंशन दिख रहा है नीचे ये अपना एक्सप्लोरर इसके नीचे सर्च और इसके नीचे एक्सटेंशन तो मैं एक्सटेंशन पे जाना है और दो चीजें और इंस्टॉल करनी है ठीक है सबसे पहली चीज़ है सी ओ डी ई आर यू एन एन ई आर कोड रनर क्या लिखा मैंने कोड रनर तुम्हें कोड रनर पे क्लिक करना और सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा कोड रनर का डॉट रन करके दिख रहा होगा और इसको तुम्हें क्या कर लेना है इंस्टॉल कर लेना है अब ये करता क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ लेट से मैंने कुछ भी कोड लिखा और उस कोड को मुझे एग्जीक्यूट करना है फिर उसको रन करना है तो उसको रन करने के लिए मुझे कोड रनर को डाउनलोड करना पड़ेगा अब मेरे में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड है तुम लोगों को बस यहाँ पे इंस्टॉल का बटन दबाना है जैसे ही तुम इंस्टॉल का बटन दबाओगे यहाँ पे तुम्हारे को एक ऐसा ऑप्शन दिखने लगेगा ये रन कोड का पहले नहीं होगा अब दिखने लगेगा ठीक है तुमने कोड रनर डाउनलोड कर लिया अब कोड रनर डाउनलोड करने के बाद तुम्हें एक चीज और डाउनलोड करनी है दैट इज पाइथन अब तुम बोलोगे भैया पाइथन तो मैं पहले भी डाउनलोड कर चुका हूँ यस तुमने करा है दैट इंटरप्रेटर बट वी एस कोड है ना वो काफी बार ऐसा होता है अपना खुद का एनवायरमेंट लेके चलता है सो so दैट्स अपने को यहाँ पे भी पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा तो ये जो दो चीजें हैं इनको बिल्कुल इंस्टॉल कर लेना पहला कोड रनर और दूसरा पाइथन ऑब्वियसली मैंने इसमें पहले से इंस्टॉल करके रखा है तुम लोग भी इंस्टॉल कर लेना जैसे अब तुम ये दोनों चीजें कर लोगे इंस्टॉल तुम अब बिल्कुल तैयार हो चुके हो कोडिंग करने के लिए ठीक है तो अब अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप दैट इज मेकिंग अ फाइल इन पाइथन पहले मैं बता चुका हूँ पाइथन के लिए क्या होता है यूज डॉट पी वाला एक्सटेंशन जस्ट अभी मैंने बताया था तो उसी का यूज करते हुए अपन को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो अपना फोल्डर क्रिएट किया था उसके जस्ट राइट साइड में तुम्हें एक ऑप्शन दिख रहा होगा छोटा सा न्यू फाइल का ठीक है तुम्हें तो कुछ नहीं करना है बस न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करनी है अब तुम कुछ भी नाम रख सकते हो अपनी फाइल का जो तुम्हें रखना है मतलब सीरियसली अगर मैं चाहता हूँ सी एच ए सी एच ए चाचा मैं चाचा रख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ भाभी तो मैं भाभी भी रख सकता हूँ लेकिन मैं थोड़ी सी डिग्निटी मेंटेन करते हुए थोड़ा ढंग के नाम लिखूंगा ढंग के नाम होते हैं एम ए आई एन डॉट पी वाई मेन डॉट पी वाई तो अब डॉट पी वाई क्या है डॉट पी वाई इज़ माई एक्सटेंशन तुम्हें नाम जो लिखना है लिख सकते हो लेकिन आखिरी में तुम्हें ये डॉट पी वाई लगाना पड़ेगा तभी तुम्हारी फाइल क्रिएट होगी ठीक है जैसे तुमने डॉट पी वाई लगाया एंटर दबाओगे और तुम्हारी फाइल हो चुकी है क्रिएट फाइनली यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट फाइल दैट इज़ मेन डॉट पी वाई आई होप को समझ आया होगा कि कैसे फाइल को क्रिएट किया जाता है ठीक है तो अपने मेन मेन स्टेप्स कंप्लीट हो गए कि मैंने वीएस एस कोड कर लिया मैंने पाइथन कर लिया मैंने फाइल क्रिएट कर ली पाइथन के अंदर अब क्या करना है भैया अब चिंता मत करो अब अपन शुरू करते हैं कोडिंग वाले पार्ट से कैसे कोडिंग वर्क करती है लेकिन कोडिंग करने से पहले एक चीज़ और समझनी पड़ेगी दैट इज़ टर्मिनल क्यों क्योंकि टर्मिनल ही एक ऐसी चीज़ है जिसपे तुम्हारे को सारी चीज़ें दिखेंगी जो भी तुम कोड कर रहे हो समझा दो अ टर्मिनल इज़ यूज टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एग्जीक्यूट कमांड्स इट प्रोवाइड्स अ वे फॉर यूजर टू इनपुट कमांड्स टू परफॉर्म वेरियस टास्क एंड एंड रिसीव टेक्चुअल फीडबैक भैया बहुत ज्यादा इंग्लिश बोल दी बिल्कुल भी समझ नहीं आया ठीक है एक सीधी भाषा में अगर बोले इसलिए मैंने नीचे लिखा भी है सीधी भाषा में टर्मिनल इनपुट एंड आउटपुट के लिए यूज आता है दैट्स इट टर्मिनल किसके लिए यूज आता है इनपुट्स लेने के लिए एंड आउटपुट्स लेने के लिए नाउ वॉट इज इनपुट एंड आउटपुट भैया इनपुट और आउटपुट क्या होता है जब भी मैं तुम्हारे से कुछ पूछता हूँ दैट इज माई इनपुट तुमसे मैं कुछ लेना चाहता हूँ तो ये क्वेश्चन मैंने पूछा अब जो भी तुम मेरे को आंसर बताओगे दैट इज माय आउटपुट तुमने मेरे को आउटपुट दिया सो so, सीधी भाषा में सवाल जवाब करने को अपन इनपुट आउटपुट बोल सकते हैं ठीक है थीके? तो टर्मिनल सिर्फ उस चीज के लिए यूज आता है अब मैं तुम्हें दिखाता हूं टर्मिनल दिखता कैसे ये देख रहा है तुम्हारा वी कोड इस वी कोड में एक टर्मिनल होता है और वो टर्मिनल सिर्फ तब ओपन होता है जब तुम अपने कोड को क्या करते हो रन करते हो अब भैया रन कहाँ से करे कोर्ट अब यही मैंने कोड रनर डाउनलोड करवाया था और याद करो ये रहा कोड रनर तुम्हारे को दिख रहा होगा रन कोड के बगल में एक छोटा सा ऑप्शन है इस पे दबाना और तुम्हें बस लिखना है रन पाइथन फाइल। जैसे ही तुम तो दिख रहा होगा जूम करके so, इनपुट लूंगा, लूंगा इसके अंदर और इसी के अंदर पूरी कोडिंग या फिर प्रोग्रामिंग का इनपुट आउटपुट वाली चीजें देखूंगा ठीक है सो नाव यू नो वट इज अ टर्मिनल नाउ यू नो वॉट इज वी एस इज़ पाइथन एंड एवरी चलो आगे बढ़ते हैं भाई

इफ़ यू नो अदर languages, अगर तुम थोड़ी बहुत और लैंग्वेजेस को जानते हो सी जैसे लैंग्वेज हो गई ठीक है तो सी लैंग्वेज में तुम्हारे को जब भी कुछ कोड करना उसके पहले एक बॉयलर प्लेट लिखनी पड़ती है तुम्हारे को स्क्रीन पे दिख रही होगी इस टाइप की एक बॉयलर प्लेट दिखती है ठीक है अगर तुम जावा कर रहे हो जावा में भी, भी एक बॉयलर प्लेट लिखनी पड़ती है ठीक है अब होता क्या है ना ये सारी हैं कंपाइंड लैंग्वेज लेकिन अपनी क्या है पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो लाइन बाय लाइन हर कोड को पढ़ती है तो अपने पाइथन में कुछ भी बॉयलर प्लेट जैसा नहीं होता डायरेक्टली तुम कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे जो पहली चीज सीखनी रहती है दैट इज कि मैं कैसे किसी चीज को प्रिंट करता हूँ आउटपुट कैसे प्रोवाइड करता हूँ ठीक है तो आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए तुम्हें हमेशा एक फंक्शन का यूज करना पड़ता है और वो फंक्शन का नाम होता है प्रिंट अब तुम बोलेगे भैया आपने कैसे बता दिया कि एक फंक्शन है मैं समझाता हूँ जब भी तुम्हें किसी भी चीज के आगे पैरेंथेसिस दिख रहे हैं ये जो ब्रैकेट

ठीक है और जैसे मैंने रन किया देखो क्या प्रिंट हुआ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो अभी तुम्हें एक चीज समझ आ गई कैसे किसी आउटपुट को प्रोवाइड किया जाता है नाउ लेट्स से तुम्हें लिखना है हेलो वर्ल्ड यस ये वही प्रोग्राम है जो हर स्टूडेंट सबसे पहले बनाता है अपनी पूरी कोडिंग जर्नी में दैट इज हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड लिखने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना कोड्स लगाने में बाद में बताऊंगा कोड्स क्यों लगा रहे हैं क्या होते हैं डेटा टाइप्स एवरीथिंग बट अभी के लिए बस समझ लो अगर हेलो वर्ल्ड लिखना है तो इस तरीके से लिखा जाता है एक कोट्स लगाएंगे और कोट्स के अंदर जो भी चीज लिखोगे तुम्हारा वो प्रिंट हो जाएगा ये देखो ये रन किया और क्या प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड आई होप तुम्हारे को समझ आया होगा कि कैसे एक आउटपुट प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना कोड लिखते हैं और वो कोड अपना एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा और वो कहाँ दिखेगा टर्मिनल पे दिखेगा ठीक है तो प्रिंट स्टेटमेंट समझ आ गया मुझे आउटपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं अब जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पे और नेक्स्ट चीज है वेरिएबल्स अब वेरिएबल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी ज्यादा यूजफुल भी होते हैं मैं समझाता हूँ कैसे आ, सबसे पहले तो भाई मैं पानी पीना चाहता हूँ क्योंकि मुझे प्यास लग रही है कोई दिक्कत तो नहीं है तुम तो लोग पानी पीऊंगा तो ठीक है मैंने पानी तो पी लिया लेकिन मेरे एकदम से दिमाग में एक चीज आई इसके अंदर क्या है इसके अंदर कोई दारू वारू नहीं है इसके अंदर क्या है वाटर पानी पानी की बॉटल है पानी लेके <ँँण> चलूंगा ठीक है क्या मैं इसके अंदर मिल्क स्टोर करके सक मिल्क स्टोर कर सकता हूँ मिल्क मतलब दूध ऑब्वियसली मैं कर सकता हूँ क्या मैं इसके अंदर वाइन या विस्की स्टोर करके रख सकता हूँ बिल्कुल कर सकता हूँ हू? तो मैं इसके अंदर काफी सारी चीजें स्टोर करके रख सकता हूँ तो पता है इस बॉटल को मैं क्या बोलूंगा ये बॉटल मेरे लिए एक वेरिएबल है क्या ये एक वेरिएबल इसका मतलब वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टोर समथिंग इन पाइथन यू यूज वेरिएबल्स ठीक है जब भी तुम्हें किसी चीज को स्टोर करके रखना है तुम्हें वेरिएबल्स का यूज करना पड़ेगा चलो हो गया अब वेरिएबल्स बनते कैसे हैं वेरिएबल्स बनते कैसे हैं इफ यू यूज इक्वल्स टू आफ्टर एनी वर्ड और नेम इट बिकम्स अ वेरिएबल लिखा है इफ यू यूज इक्वल्स टू आफ्टर एनी वर्ड और नेम मतलब भैया आप पोडर कोई भी नाम लिख सकते हैं कुछ भी वर्ड लिख देंगे या फिर कुछ भी नाम लिख देंगे इट बिकम्स अ वेरिएबल वेरिएबल बन जाता है हाँ भाई बिल्कुल बन जाता है अभी दिखाता हूँ कैसे लो मैंने लिखा महेश महेश एक नाम है ठीक है और उसके आगे मैंने इक्वल्स टू लगा दिया अब ये वेरिएबल बन चुका है क्या वेरिएबल yes, हाउ क्योंकि मैंने महेश के आगे क्या लगा दिया है इक्वल्स टू लगाया महेश के आगे तो एक वेरिएबल बन चुका है अब होता क्या है ना यहाँ पे तुम्हें एक सिंटेक्स एरर दिख रहा होगा सिंटेक्स एरर इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने एक स्टोरेज तो क्रिएट कर दिया लेकिन इस स्टोरेज के अंदर मुझे कुछ सेव करके रखना पड़ेगा अब लेट्स से अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ बारह क्या लिखा मैंने ट्वेल्व लिखा तो महेश के अंदर क्या ट्वेल्थ सेव हो गया होगा यस बिल्कुल सही महेश के अंदर क्या सेव हो गया होगा ट्वेल्व सेव हो गया होगा मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं जैसे मैं प्रिंट करता था ना प्रिंट अगर ट्वेल्व करता हूं तो ट्वेल्व प्रिंट हो जाता है अगर अब मैं एक वेरिएबल का यूज करना चाहता हूँ प्रिंटिंग में तो तुम्हें बस लिखना पड़ेगा महेश अगर तुमने प्रिंट महेश लिखा तो पता है क्या प्रिंट हो जाएगा बारह प्रिंट हो जाएगा ये देखो नीचे क्या प्रिंट हो रहा है ट्वेल्व अगर मैंने महेश की वैल्यू चेंज करके कर दी फोर सिक्स सेवन ऐसा कुछ करके फिर क्या प्रिंट होगा एग्जैक्टली फोर फाइव सिक्स प्रिंट होगा तो बहुत टर्म्स में समझो वेरिएबल्स का नाम अपन कुछ भी रख सकते हैं महेश की जगह में तो रख सकते हैं अगर मैं चाहूं, मान लो हेलो लिखना चाहता हूं या फिर मैं अपना खुद का नाम लो मेरा नाम है आकर्ष और अगर मैंने आकर्ष लिखा डबल ए के आर आकर्ष लिखा तो भी सेव हो जाएगा सो दिस इज हाउ यू सेव समथिंग इनसाइड अ वेरिएबल और अगर हम मैंने आकर्ष को प्रिंट किया तो आकर्ष भी प्रिंट हो जाएगा ये देखो फोर तो सिक्स को ये चीज़ समझ आ रही होगी कैसे किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो भैया ये, ये तो बहुत ही आसान हो गया वेरिएबल लेकिन वेरिएबल को क्रिएट करते समय कुछ कुछ बाउंडेशन आती हैं और वो बाउंडेशन ऐसी है कि जब भी तुम नामकरण कर रहे हो अपने वेरिएबल का फिर नाम बना रहे हो तो उसमें तुम्हें कुछ कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी और वो क्या है यू कैन नॉट स्टार्ट अ वेरिएबल विद नंबर्स स्पेशल कैरेक्टर्स एंड स्पेसिस अब मैं समझाता हूँ वट आर नंबर स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेसिस बहुत आसान भाषा में तुमने अगर लिखा ए इज सकते हो लेकिन अगर गलती से तुमने ए के पहले एक वन डाल दिया तो यहाँ जाएगा क्यों क्योंकि जब भी मैं वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ वेरिएबल कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होते तो क्या भैया बाद में लिख सकता नंबर हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बाद में नंबर लिख लो चलेगा लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल नंबर नहीं लिखना है तो चलो ये तो अपने को समझ आ गया फिर क्या था अपना स्पेशल कैरेक्टर इफ यू डोंट नो वॉट आर स्पेशल कैरेक्टर दीज आर माई स्पेशल कैरेक्टर्स ठीक है इनको अपन क्या कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स तो इनके साथ भी तुम अपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते मतलब मान लो तुमने लिख दिया तो पे तुम देख सकते हो आ रहा है है यू कैन नॉट यूज इट लाइक दिस ठीक तो स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ भी तुम स्टार्ट नहीं कर सकते अपने वेरिएबल को और फाइनली यू कैन नॉट स्टार्ट योर वेरिएबल विद अ स्पेस स्पेस का भी बिल्कुल यूज नहीं कर सकते तो स्पेस क्या होता है मान लो भाई ये लो मैंने एक स्पेस दिया और लिख दिया ए इज इक्वल टू थर्टी फोर यहाँ पे कह रहा आजा जाएगा भाई ये स्पेस काय का काय का को स्पेस दिया तुमने किसी वेरिएबल में तुम स्पेस नहीं यूज़ कर सकते तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा जब भी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेसेस और नंबर्स को स्टार्ट में बस हटा देना और फिर तुम कहीं भी यूज़ करो चलेगा ठीक है सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ वेरिएबल आई होप तुम्हारे को वेरिएबल समझ आया होगा लो भाई मैंने कर दिया ए इज इक्वल्स टू और मैंने लिख दिया डी इज इक्वल सेवेंटी एट ये पता है ये चार के चार वेरिएबल्स बन चुके हैं और अगर चारों को मुझे प्रिंट करना है प्रिंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी धीरे धीरे ना पता है क्या होगा जैसे तुम तो आगे बढ़ोगे तुम्हें ये भी समझ आएगा कि कैसे वेरिएबल्स को प्रिंट किया जाता है कॉमा ओमा कैसे लगाया जाता है एवरीथिंग ठीक है अभी मैंने रन किया तो ये देखो बारह ए बी सी डी की और वो सारी की सारी मैंने प्रिंट कर दी बहुत ही बेसिक आई होप तुम्हारे को ये चीज समझ आई हो चलो वेरिएबल समझ आ गया तो वेरिएबल के बाद आता है अपना सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे के पूरे अपने पाइथन प्रोग्रामिंग का है दैट इज डेटा इन डेटा टाइप से ही हर चीज बनती है इवन आर लिस्ट टपल डिक्शनरी अपने सिक्वेंशियल नॉन सिक्वेंशियल सब कुछ में एक चीज कॉमन है दैट इज डेटा टाइप इवन तुम प्रिंट कर रहे हो तुम्हें डेटा टाइप पता होने चाहिए तुम इनपुट ले रहे हो तुम्हें डेटा टाइप पता होना चाहिए तुम्हारे को जो चीज़ चाहिए एवरी थिंग बिलोंग्स टू डेटा टाइप नाउ डेटा टाइप क्या होता है मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ लेट्स से तुमने एक वेरिएबल बनाया था और तुमने लिख दिया था ट्वेल्व ठीक है मान लो तुम्हें इसमें लिखना है आकर्ष तो क्या ऐसे लिख सकते हैं आकर्ष नहीं इस तरीके से अगर तुमने आकर्ष लिखा तो एक एरर आएगा ये देखो प्रिंट ए किया मैंने और प्रिंट ए जैसे ही किया तो यहाँ पे एक एरर आया नेम आकर्ष इज नॉट डिफाइंड तो ये क्यों आ रहा है ऐसा क्या हो रहा है मैं समझाता हूं देखो जितनी भी चीज़ें अपन सेव करते हैं ना अपने वेरिएबल्स के अंदर वो हमेशा एक डेटा टाइप होल्ड करती हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे ही ट्वेल्थ सेव किया था ट्वेल्व का कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप होगा और वो जाके ए के अंदर सेव हो गया ठीक है मैं मान लो ट्वेल्थ की जगह लिख रहा हूँ ए के ए आर एस एच में कोर्ट्स में लिखूंगा तो एरर नहीं आएगा तो इसका कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप होगा जो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है ए के अंदर तो अपने वेरिएबल का जो डेटा टाइप सेट होता है वो हमेशा उसकी वैल्यूज से होता है तो वैल्यूज के डेटा टाइप क्या होते हैं बहुत क्लियर कट लैंग्वेज में समझाऊंगा मेनली समझो आर ओनली डेटा टाइप ठीक है है सबसे पहला है numbers, फिर है बुलियन और फिर है स्ट्रिंग ना वट इज नंबर इज बुलियन एंड इज स्ट्रिंग तो सबसे पहले मेरे को एक और चीज खोलने दो दैट इज एपिक पेन एपिक पेन क्या करेगा मैं समझा देता हूं यहाँ पे मैं कुछ भी अगर लिखना चाहता हूं तो तुम्हें को समझाने के लिए मैं आप इजीली लिख सकता हूँ ठीक so, है तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहली चीज दैट इज इंटीजर्स ठीक है इंटीजर्स

फिर थ्री और ये जाते हैं इंफिनिटी तक मतलब मैं ये बोल सकता हूं बस जीरो को और ऐड कर दो तो वो भी क्या बन जाएंगे मेरे होल नंबर्स बन जाएंगे ठीक है फिर आते हैं अपने फाइनली इंटीजर्स नाउ व्हाट आर इंटीजर्स इंटीजर्स में भी जीरो से स्टार्ट करो वन जाओ टू जाओ और इनफाइनाइट तक जाओ लेकिन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री और माइनस में भी अगर मैं इन्फिनिटी तक जाता हूँ तो उन सबको मैं क्या बोलता हूँ इंटीजर्स तो भैया क्या जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये सब इंटीजर्स हैं यस दीज आर ऑल इंटीजर्स तो वन पॉइंट सिक्स क्या है इंटीजर इंटीजर नहीं है वो डेसिमल वैल्यू है क्या है वो डेसिमल वैल्यू तो उसको तुम तो इंटीजर्स में काउंट मत करना ठीक है तो भैया टू बाई एट क्या होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है तो उनको भी इंटीजर्स में काउंट मत करना मतलब बिना पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं और माइनस में हो प्लस में हो कहीं पे भी हो उन सबको मैं क्या बोलता हूँ इंटीजर्स ठीक है तो भैया अगर आप बोल रहे हो इंटीजर्स मेरे को समझ आ गया है

थ्री और ये इनफाइनाइट तक माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यहाँ पे इनफाइनाइट तक ये सब तो इंटीजर होते हैं भैया वन और टू के बीच में भी तो एक वैल्यू होती है वन पॉइंट टू सिक्स बिल्कुल होती है टू और थ्री के बीच में भी तो वैल्यू होती है टू पॉइंट वन नाइन तो ये सब क्या होती है जब भी मैं किसी डेसिमल वैल्यूज़ की बात करता हूँ या फिर जहाँ पे भी एक डेसिमल का पॉइंट आता है उन सब वैल्यूज को मैं बोलता हूँ फ्लोट वैल्यू क्या बोलता हूँ एफ एल ओ ए टी फ्लोट वैल्यू और हाँ एक चीज़ और जब भी मैं इंटीजर्स की बात करता हूँ ना अपने पाइथन में इसको आई एन टी इंट बोला जाता है फ्लोट को फ्लोट बोला जाता है कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स ही बोला जाता है तो अभी हाल फिलहाल मुझे एक चीज़ समझ आ गई फ्लोट वैल्यू क्या होती है डेसिमल वैल्यूज़ फिर भैया ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये क्या होती है टू बाय सिक्स सिक्स बाई टू नाइनटीन बाय थ्री ये सब भी क्या आती हैं फ्लोट वैल्यूज तो कहीं पे भी तुम्हें पॉइंट में वैल्यू दिख जाए या फिर कहीं पे भी तुम्हें फ्रैक्शन में वैल्यू दिख जाए तुम क्या बोलोगे सबसे पहले भैया ये चीज फ्लोट है क्या है ये चीज एफ एल ओ ए टी फ्लोट है तो चलो देखते हैं मैं जल्दी तुम्हारे को दो तीन वेरिएबल बना के दिखाता हूँ और उसका भी डेटा टाइप चेक कर लेता हूँ ठीक है लेट्स से मैंने एक और वेरिएबल बनाया ए और उसके अंदर मैंने लिख दिया ट्वेल्व पॉइंट फाइव ठीक है अब जैसे ट्वेल्व पॉइंट फाइव लिखा तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव का डेटा टाइप क्या आना चाहिए फ्लोट आना चाहिए मैं दिख तो सही रहा हूँ ना हाँ बिल्कुल सही लिख रहा हूँ तो 12.5 का डेटा टाइप फ्लोट आना चाहिए चेक करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ प्रिंट टाइप ऑफ ए अगर मैंने सिर्फ ए लिखा तो ट्वेल्व पॉइंट फाइव आ जाएगा टाइप ऑफ ए लिखा तो क्या आ जाएगा उसका डेटा टाइप मैंने रन किया और तुम देख सकते हो क्या आ रहा है जल्दी से देख लो भाइयों बहुत ईजी क्या रहा है इसका एफ एल ओ ए टी फ्लोट आई होप तुम्हारे को समझ आया कैसे कि किसी डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं और मैंने एक और चीज़ बोली थी अगर फ्रैक्शन वैल्यू लियू फोर्टी फाइव डिवाइडेड बाय एट फोर्टी फाइव डिवाइड बाई एट मेरे को पता है वैसे आंसर पॉइंट में ही आएगा इसीलिए वो क्या कर देगा ऑब्वियसली टाइप फ्लोट ही कर देगा लेकिन वॉट इफ सबसे पहला मन में ये सवाल आता है बारह डिवाइडेड बाय मैंने छह लिख दिया भैया ट्वेल्थ डिवाइडेड बाय सिक्स तो आंसर शायद से टू देता है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा इसका भी आंसर फ्लोट ही रहेगा ठीक है क्या रहेगा इसका आंसर फ्लोट ही रहेगा ये देखो ये रन की और क्ला आंसर एफ एल ओ ए टी फ्लोट लेकिन तुम्हें खास बात बताऊं अगर मैं सिर्फ ए प्रिंट करूंगा तो क्या आने वाला है टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो क्या है क्योंकि ट्वेल्ल डिवाइड बाई स ट्वेल्व और टू पॉइंट जीरो आ गया लेकिन अभी उस चीज़ पे ध्यान मत देना बाद में मैं सब चीज़ें क्लियर करूंगा ठीक है तो हाल फिलहाल अपन लोगों को समझ आ गया फ्लोट क्या होता है ना फ्लोट के बाद आता है अपना थर्ड डेटा टाइप दैट इज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप और कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए क्योंकि अपन इसको ज्यादा यूज नहीं करते पाइथन में येस yes, पाइथन में इसका यूज बहुत कम हो गया मतलब इसका यूज केसेस बहुत कम है कभी तुम Uh, मान के चलो डेटा विजुलाइजेशन डेटा एनालिसिस पे जाओगे जब तुम्हें प्रिडिक्शंस करने होंगे तब तुम कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज़ करोगे बट अभी के हिसाब से बहुत कम है इसका यूज तो तब भी मैं समझा देता हूँ जब भी तुमने कभी मैथ्स पढ़ी होगी बचपन में तो मैथ्स में तुम एक चीज़ यूज़ करते थे इमेजिनरी वैल्यू ठीक है और उसमें अपन यूज़ करते थे आयोटा का आयोटा नहीं पता देखो स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा हो वेदांत एडिटर साहब आप दिखा देना तो इफ़ यू डोंट नो दिस इज एन आयोटा और कभी भी इसको अपन क्या बोलते थे इसको बोलते थे अपन एक इमेजिनरी वैल्यू जो अभी करंटली अपने पास अवेलेबल नहीं है बट अगर बाद में अवेलेबल हुई तो मेरा आंसर सही आ जाएगा सो दिस इज़ एन इमेजिनरी वैल्यू और जब भी मैं इन इमेजिनरी वैल्यूज़ का अपने पाइथन में यूज करता हूँ उसका पूरा डेटा टाइप सेट हो जाता है कौन सा कॉम्प्लेक्स चलो मैं दिखाता हूँ किस तरीके से तो अगर मैं नॉर्मल मैथ्स की बात करूँ सो दिस इज हाउ माय आयोटा वैल्यू लुक्स ठीक है मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तुम्हारे लिए और इजी होगा दिस इज हाउ माय आयोटा वैल्यू लुक्स ट्वेल्व आई है ना बट यहाँ पे ना पाइथन में जैसी मैंने आई लिखा मेरे पे एरर आ गया यहां पे तुम्हें i की जगह क्या यूज करना पड़ेगा j का यूज करना पड़ेगा नाउ j इज माय इमेजिनरी वैल्यू जो मेरे पास अवेलेबल नहीं है बट मेरा आंसर सही है सो दिस इज हाउ यू मेक अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल देखो अभी मैंने प्रिंट किया प्रिंट करा मैंने लिखा टाइप ऑफ a और जैसे मैंने इसको रन किया तो देखो क्या आ रहा है डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स आया कि नहीं आया समझ तो ये तीन चीजें तो मेरे को समझ आ गई इंटीजर फ्लोट और कॉम्प्लेक्स और ये तीनों की तीनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं नंबर्स के अंदर आती हैं और इनको बस सीधे सीधे लिख सकते हैं अपन जैसे ए ये इंटीजर हो गया पॉइंट फाइव सिक्स ये हो गया फ्लोट इसके आगे लगा दिया मैंने जय ये हो गया कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली लिख सकते हैं ठीक है तो पहला डेटा टाइप अपना कंप्लीट हो चुका है फिर दूसरा जो डेटा टाइप होता है वो होता है बुलियन ना वट द हेल इज बुलियन अजीब सा नाम है इसका बुलियन के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आती हैं पहली आती है ट्रू और दूसरी आती है फॉल्स जैसे कि तुम देख सकते हो तो और कुछ कैच नहीं है इसमें नहीं कुछ कैच नहीं है क्या आता है ट्रू और फॉल्स तो इसका यूज़ क्या है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आने वाले समय में तुम देखोगे जब तुम कंपेरिजन क्वेश्चन देखोगे ना इफ एल्स क्वेश्चन हो गया और वाइल्ड लूप हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती है उन सब में अपना बुलियन का यूज़ आता है मैं तुम्हें समझाऊँगा क्या क्या यूज़ केसेस हैं उससे पहले तुम समझ जाओ ए इज इक्वल्स टू तुमने लिखा थर्टी फोर ये हो गया इंटीजर अगर तुमने लिख दिया यहां पे ट्रू तो अब ये क्या हो चुका है बुलियन हाँ बुलियन हो चुका है तुम्हें दिखाता तो. हूं प्रिंट टाइप ऑफ ए क्या लगता है क्या आएगा बुलियन को अपन बोलते हैं बुल क्या बोलते हैं बुल ये देखो ये देख रहा छोटा सा बी डब्ल्यू एल बुल तो इसका डेटा टाइप होता है बुल आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा तो ट्रू लिख दिया तो भूल आ गया और भैया फॉल्स लिख दिया तो क्या आएगा तो भी भूल आएगा ट्रू एंड फॉल्स सिर्फ दो ही चीज तो है अपने पास और जैसी मैंने फॉल्स लिखा तो भी आंसर क्या आ रहा है भूल बूल कोई दिक्कत नहीं अब चलो मुझे पता गया भूल क्या होता है कैसे वर्क करता है लेट्स uh, से मैंने इसका एफ स्मॉल लिख दिया अब क्या आएगा अगर मैंने एफ स्मॉल लिखा मैंने इसको रन कर दिया तो सबसे पहले तो एक एरर आएगा क्यों क्योंकि कभी भी अगर तुम डेटा टाइप बुलियन का बनाना चाह रहे हो तो मैं हमेशा का लिखना पड़ेगा टी एंड एफ कैपिटल ट्रू एंड फॉल्स का टी और एफ हमेशा क्या होता है कैपिटल होता है दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग इसको हमेशा याद रखना ठीक है तो इसको अपन सीधे एफ का कैपिटल कर देंगे अब सही है तो चलो भूल भी समझ आ गया तुम्हें अब जब भूल समझ आ गया तो अब तुम्हारे को एक चीज और समझनी है दैट इज स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो है ना वो बहुत हरामी टाइप की चीज़ है हरामी टाइप की इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पर यूज आती है जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था मेरे को लिखना था ए इज इक्वल्स टू ए के ए आर एस अपना नाम लिखना था और ए के अंदर सेव करना था चलो ए की जगह मैं नाम ही लिख देता हूँ ऐसे करके एन ए एम मिन नेम इक्वल्स टू आकर्ष ठीक है मेरा नाम है आकर्ष अगर मैं अपने नाम को प्रिंट करने जा रहा हूँ तो मेरे पास एक एरर आ रहा था एरर किस टाइप का आ रहा था

या तो डबल कोर्ट्स या फिर सिंगल कोर्ट्स कोई सा भी यूज कर सकते हो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहां पे मैंने इसीलिए स्पेशली डबल कोर्ट्स और सिंगल कोर्ट्स लगाए थे क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार डबल कोर्ट्स और सिंगल कोर्ट्स का को कुछ एरर तो नहीं आएगा कुछ एरर नहीं आएगा यू कैन यूज डबल न यूज सिंगल देर इज नो एर एंड देर इज नो प्रॉब्लम आई होप ये चीज समझ आई हो फिर इसके अंदर क्या होता है ना इसके अंदर तुम मल्टीपल चीज यूज कर सकते हो तुम्हारा जो पूरा की बोर्ड है ना इस की बोर्ड पर तुम्हारे को जो भी टाइपिंग की चीज दिख रही है तुम सबकी सब, सब चीज इसके अंदर यूज कर सकते हो तुम्हारे कोई को भी दिक्कत नहीं होगी दिखाऊ ये लिख दिया ये भी लिख दिया नंबर भी लिख दिया मैं लिख के दे रहा हूं कोई भी एरर नहीं आएगा सो दिस इज हाउ स्ट्रिंग ठीक है स्ट्रिंग कैन होल्ड एनी थिंग फिर तो तुम बोलोगे यार भैया ये जो मैंने नंबर लिखे थे ये तो इंटीजर्स थे ना ऐसे हैर आना चाहिए नहीं दोस्त देखो फिर मैं समझा रहा हूँ। एक स्ट्रिंग जो होती है ना वो किसी भी चीज को होल्ड करके रख सकती है इनफैक्ट अगर तुमने ट्वेल्व भी लिख दिया ना तो ट्वेल्व का वैसे ओरिजिनली डेटा टाइप अगर तुम सिर्फ सिर्फ ऐसे लिखते हैं तो अभी इसका डेटा टाइप क्या हो जाता है इंटीजर लेकिन अगर तुमने कोट्स के अंदर किसी नंबर को लिख दिया अब इसका डेटा टाइप क्या हो चुका है स्ट्रिंग दिखाऊं स्ट्रिंग कैसे दिखता है ये देखो वाई पी टाइप नेम, क्योंकि नेम मेरा था मैंने इसको रन किया तो क्या आ रहा है एस टी आर स्ट्रिंग सो दिस इज हाउ यू यूज अ स्ट्रिंग जस्ट यूज डबल कोट्स और उसके अंदर जो चीजें फेंकनी है फेंक दो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आई होप तुम्हारे कोई चीज समझ आई हो आई कि नहीं आई पक्का हंड्रेड परसेंट श्योर चलो ठीक है अगर नहीं आई तो प्लीज़ रिमाइंड करके एक बार फिर से देखो तभी आएगी और टेंशन मत लो जब अपन इसके आगे वाली सीरीज़ में जो क्वेश्चंस आने वाले उन क्वेश्चंस को निपटाएंगे तभी तुम बोल सकते हो कि यस भैया हमें को अब सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई क्यों क्योंकि क्यों कभी भी किसी प्रोग्रामिंग को अपन डायरेक्टली नहीं समझ सकते उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग थोड़ी सी तो लगानी पड़ेगी तो जैसे जैसे तुम क्वेश्चन आगे करते जाओगे यू विल गेट गुड विद इट ओके तो अभी के लिए इतना समझ लिया तो चलो आगे बढ़ते हैं डेटा टाइप्स मैंने समझ नहीं है डेटा टाइप के बाद आता है टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्शन। फिर तो अरे बहुत सारी चीज़ें अभी तो तो व्हाट इज दिस टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्शन क्या होता है कोई बता सकता है देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा देता हूँ टाइप क्या होता है अभी तुमने देख ही लिया टाइप को तो मैं इतनी देर से यूज़ कर रहा हूँ अगर कभी भी तुम टाइप का वर्ड यूज़ करते हो टाइप ऑफ ए तो टाइप से तुम्हारे को पता लग जाता है क्या क्या डेटा टाइप है इंटीजर डेटा टाइप है अब काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि मैंने ना एक स्ट्रिंग गलती से ले ली इनपुट में मतलब मैंने एज मांगना चाह रहा था और एज गलती से एक स्ट्रिंग में आ गई ठीक है तो अब जो बारह में दिखा रहा था ना वो स्ट्रिंग में था मान लो मुझे उसको इंटीजर में वापस से कन्वर्ट करना है तो किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कैसे किया जाए तो इसी चीज को अपन समझने वाले हैं और उस चीज को अपन बोलते हैं टाइप कास्टिंग या फिर टाइप कन्वर्शन टाइप कन्वर्जन चेंजिंग आर डेटा टाइप फ्रॉम वन टू अनदर फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट इज कन्वर्शन कन्वर्जन तुम्हें समझ ही आता है किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना फिर कन्वर्ट होना सो दिस इज हाउ टाइप कन्वर्शन वर्क तो टाइप कन्वर्जन के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेंगी सिर्फ और सिर्फ चार चीजें और वो चार फंक्शन हैं इंट फ्लोट बूल और एस टी आर स्ट्रिंग ठीक है इन चारों चीजों से पता है क्या होने वाला है अपन किसी एक चीज से दूसरी चीज में कन्वर्ट और भी चीजें यूज होती हैं बट दीज आर दी मेन थिंग्स जिसका अपन जनरली यूज करते हैं पाइथन में ठीक है इंटीजर फ्लोट बुलियन और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना फॉल्सी वैल्यूज मान में, में बताऊंगा क्योंकि अभी पहले समझ लो कैसे कन्वर्ट किया जाता है बहुत अच्छे एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल ए इज इक्वल्स टू ट्वेल्व अभी अभी मैंने दिखाया था ये जो ए की वैल्यू मैंने बारह लिखी है ये बारह जो है लग इंटीजर रहा है बट इसका डेटा टाइप क्या है इसका डेटा टाइप है अगर मैंने ए का चेक किया तो क्या आ रहा है एस टी आर स्ट्रिंग आ रहा है अब पता है दिक्कत क्या होगी कभी भी तुम स्ट्रिंग में दूसरा नंबर को ऐड नहीं कर सकते मतलब अगर तुम चाहो तुम ये लिख दो ए प्लस ट्वेल्व तो ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी फोर होता है बट यहाँ पे एरर आ जाएगा एरर आएगा कैन ओनली वन कंटिनियड स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग मतलब इंटीजर और स्ट्रिंग को साथ में तुम जोड़ नहीं सकते बहुत ऑब्वियस सी बात है तो उस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा सबसे पहले तो इसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक नंबर में तो नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर टाइप ऑफ ए नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तुम ना या तो एक और नया वेरिएबल बना सकते हो या फिर अपने ही वेरिएबल वापस से वही वैल्यू सेव कर सकते हो नहीं आया समझ समझा रहा हूँ लेट्स से मैंने लिखा a is to. तो a के पास ऑलरेडी पहले से एक वैल्यू है अगर तुम वापस से a is to लिखते हो इसका मतलब तुम एक नई वैल्यू असाइन कर रहे हो क्या कर रहे हो तुम एक नई वैल्यू को रीअसाइन कर रहे हो ठीक है मैंने लिखा a is equals to int of a देखना ध्यान से देखो बहुत ध्यान से देखो इस चीज को a is equals to integer of a पहले a की वैल्यू चल रही थी बारह जिसका डेटा टाइप क्या था क्या था डेटा टाइप एस टी आर स्ट्रिंग कोर्ट्स लगे थे ठीक है मैंने करा ए इज इक्वल से ए के अंदर एक नई वैल्यू डाल रहा हूं कन्वर्ट कर रहा हूं किसके अंदर आई int, एन अंदर और जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया और अब मैं करूंगा प्रिंट टाइप ऑफ ए तो अब देखो क्या होने वाला है रन किया तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आंसर आया तुम्हारे को दिख रहा होगा पहले थी स्ट्रिंग स्ट्रिंग के बाद मैंने किया टाइप कन्वर्जन टाइप कन्वर्जन कैसे किया मैंने लिखा ए इज इक्वल फिर मैंने टाइप ऑफ ए चेक किया तो हुआ क्या स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हुआ और वो देखो इसका टाइप टाइप क्या क्या आ गया इंटीजर का A का ही type. ठीक है Now, है नाउ जरूरी भैया ए को ए के अंदर ही सेव करूँ नहीं बिल्कुल नहीं लो बी के अंदर सेव कर दो तो अब अगर तुम बी को प्रिंट करोगे ये देखो बी मैंने प्रिंट किया और बी की वैल्यू क्या आई बारह और बी का डेटा टाइप क्या होगा कॉमा टाइप ऑफ बी अगर मैंने रन किया तो आया बारह और वो कौन सा है इंटीजर है तो तुम किसी और वेरिएबल में या फिर अपने खुद ही वेरिएबल में जो पहले चल रहा था उसी के अंदर तुम चेंज करके सेव कर सकते हो सो दिस इज हाउ बेसिक कन्वर्जन वर्क और इंटीजर के साथ फ्लोट में भी होता है कन्वर्जन फ्लोट में कन्वर्जन बहुत ईजी होता है जैसे ए इज इक्वल्स टू मैंने लिखा है थर्टी फोर ठीक है नाउ आई कैन सी दिस इज एन इंटीजर और अगर इंटीजर्स को मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ मैं लिखूँगा एफ एल ओ फ्लोट ऑफ ए और अब अगर मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो ऑब्वियसली फ्लोट क्या देता है पॉइंटर वैल्यूज देता है तो 34 के आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं लगा तो भाई यह खुद से जनरेट कर देगा 34.6 34.7 नहीं 34.0 भी तो दे सकता है बात तो वही रहेगी ये देखो प्रिंट ए किया और क्या हो गई वैल्यू थर्टी फोर पॉइंट जीरो वी हैव जस्ट कन्वर्टेड इन टू अ फ्लोट ठीक है अब वॉट इफ मैं फ्लोट को इंटीजर्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ फिर क्या होगा थर्टी फोर पॉइंट सिक्स देकर रखा है ऑब्वियसली पॉइंट की वैल्यू सारी हटा देता है तो अगर मैं बात करूं फ्लोट से इंट में तो पॉइंट की अगर वैल्यू हटी तो क्या बचेगा इसको हटा दो और कितना बचेगा थर्टी फोर तो देखते हैं क्या हो रहा है क्या यही चीज़ बिल्कुल सही थर्टी फोर ही आ रहा आंसर सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट अ इंट टू फ्लोट एंड फ्लोट टू इंट चलो ये आ गया समझ फिर अपन बात करते हैं बुल और स्ट्रिंग्स की सबसे पहले स्ट्रिंग समझाऊंगा फिर आखिरी में बुलियन समझाऊंगा ठीक है वॉट इज अ स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू थ्री फोर फाइव ठीक है थ्री फोर्टी फाइव इज अ स्ट्रिंग नहीं थ्री फोर्टी फाइव नहीं मैं पहले इंटीजर लिख रहा हूँ वन वन थ्री 4 134 इज एन इंटीजर ए का डेटा टाइप इंटीजर चल रहा है व्हाट इफ मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूं स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है एसटीआर का यूज करना है एसटीआर ऑफ ए और अब अगर तुम प्रिंट करोगे टाइप ऑफ ए आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा टाइप ऑफ ए क्या आने वाला है एसटीआर STR स्ट्रिंग तो 12134 पता है स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद कैसा दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का अभी ये मैं खुद से लिख रहा हूँ बट अंदर ही अंदर अंदरूनी जो पाइथन चल रहा हो उसमें इस तरीके से दिखने लग गया होगा ठीक है सो दिस इज हाउ आर टाइप कन्वर्शन वर्क फिर फाइनली अपना एक और चीज़ कन्वर्ट होती है बी डब्ल्यू एल बुल तो ये बूल क्या होता है यार भैया बूल तो यार ट्रू और फॉल्स होता है तो क्या मैं ए इज इक्वल्स टू मैंने लिख के रखा है फोर्टी फाइव ट्रू या फॉल्स में कन्वर्ट होगा हाँ बिल्कुल ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट होगा तो भैया चलो आप करके दिखा दो लो देखो भाई ध्यान से देखना ए इज इक्वल्स टू बुल ऑफ ए मैंने बुलियन में कन्वर्ट कर दिया ठीक है बुलियन में जैसी कन्वर्ट किया और मैंने करा प्रिंट ए पता है क्या होने वाला है देखो क्या आर यू ट्रू वॉट ट्रू क्यों आया 45, true कैसे हो सकता है ठीक है लो जीरो अरे यार भैया जीरो फॉल्स कैसे हो सकता है लो हेलो अरे भैया आपने ट्रू कर दिया यार इसको हेलो को ये लो अरे यार भैया अब आपने फॉल्स कर दिए कैसे हो रही है चीज़ें देखो बुलियन में हमेशा दो चीज़ें होती हैं कुछ होती हैं ट्रुथी वैल्यूज और कुछ होती हैं फॉल्सी वैल्यूज ठीक है न व्हाट आर ट्रुथी एंड व्हाट आर फॉल्सी सारी चीज़ों को तुम मान के चलो पूरी जितनी भी चीज़ें हैं जितना भी नंबर्स हैं जो भी अपनी स्ट्रिंग्स हैं सब कुछ ट्रू होता है क्या होता है सब कुछ ट्रू मतलब अगर मैं लिखूंगा अपना नाम नाम क्या आएगा मेरा ट्रू आएगा सब कुछ ट्रू होता है ठीक है अगर मैं लिखूंगा कोई भी नंबर मान लो भैया मैंने नंबर लिख दिया सिक्स सेवेंटी एट ये भी ट्रू आएगा क्या हाँ बिल्कुल आएगा लो ट्रू आएगा एवरीथिंग इज ट्रू कुछ चीज़ों को छोड़ के और वो कुछ चीज़ों को अपन बोलते हैं फॉल्सी वैल्यूज सारी वैल्यूज ट्रुथ ही होती हैं कुछ चीज़ें फॉल्सी अब उन कुछ चीज़ों में से एक आता है जैसे जीरो जब भी तुम जीरो का यूज़ करोगे जीरो पता है किसमें कन्वर्ट होगा फॉल्स में कन्वर्ट होगा ये देखो हो गया कि नहीं हो गया आखिर आंसर देखो क्या आ रहा है फॉल्स जीरो के बाद कुछ और वैल्यूज होती हैं जैसे जीरो मतलब जीरो से रिलेटेड सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं फॉलसी फ्लोट है आंसर लेकिन फ्लोट में है वैल्यू लेकिन स्टिल फॉल्स आ रही है ठीक है और कौन सी होती है भैया फॉल्सी वैल्यूज पॉलिसी वैल्यूज़ में एक तो खुद ही फॉल्स आ जाएगा ऑब्वियसली फॉल्स तो फॉलसी होगा फिर एक चीज़ आती है एम स्ट्रिंग क्या होती है एम स्ट्रिंग जैसे अगर स्पेस भी लगा दिए तो ट्रू हो जाएगा लेकिन अगर तुमने खाली सिर्फ कोर्ट्स यूज़ कर दिए दिस इज एन एमटी स्ट्रिंग इसको अपन आंसर देंगे क्या हमेशा फॉल्स में तो आई होप तुम्हें समझ आ रहा है दीज आर सम फॉलसी वैल्यूज और तो मैं नीचे लिखा भी है फॉल्स एन ओ एन नन जीरो ज़ीरो न्यूमेरिक वैल्यूज़ एम टी सीक्वेंस एंड कलेक्शंस तो एन ओ एन भी यूज़ कर सकते हैं एन ओ एन ई नन तो नन भी क्या होती है एक फॉल्स वैल्यू होती है देखो आंसर फॉल्स में आ रहा है सो इन ऑल समझ लो सम सम्सी वैल्यूज़ है उनको बस याद रख लोगे तो हो जाएगा एक नन हो गया एक हो गया अपना ज़ीरो हो गया जीरो पॉइंट ज़ीरोज हो गए फिर खुद फॉल्स हो गया एम टी सीक्वेंस अब एम टी सीक्वेंस में सिर्फ स्ट्रिंग नहीं आती तुम्हें पता है स्ट्रिंग के बाद कुछ और चीजें भी होती हैं जैसे ये दिख रहा है ये अभी तुम मत समझना है क्या एकदम से तुम जाओगे इसका भी आंसर फॉल्स आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लिस्ट टपल डिक्शनरी सेट्स कन्फ्यूजे और इन सबको सब भी अपन देख लेंगे बाद में बट वो सब भी फॉल्स आंसर देते हैं अगर खाली हो तो ठीक है तो दिस इज हाउ टाइप कन्वर्जन वर्क आई होप तुम्हें समझ आया अगर कोई भी डाउट है दिक्कत हो जस्ट थोड़ा सा रिवाइंड कर लो और देख लो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है टाइप कास्टिंग टाइप कन्वर्जन हो गया अब आने वाला है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट भाइयों मेरी बात सुनो सुन लो भाई प्लीज़ तुम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं सब की सब बहुत इंपॉर्टेंट थी बट तुम्हें पता है अगर तुम तुम्हारे को इनपुट नहीं पता होगा तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने पायथन में पाइथन में पाइथन में हाँ क्यों नहीं कर पाओगे क्योंकि इनपुट इज़ वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू लर्न ओके लेट्स स्टार्ट तो चलो ठीक है यार ज्यादा बखचूद ही नहीं करेंगे सीधे समझते हैं वॉट आर इनपुट्स ठीक है मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें दिखाया था जब मैं टर्मिनल के बारे में पढ़ रहा था इंस्टॉल कर रहा था और फिर टर्मिनल क्या था टर्मिनल में दो चीज़ें मैंने बताई थी यूजर से इनपुट लेना और आउटपुट प्रोवाइड करना ठीक है तो मैं आउटपुट तो समझ गया था आउटपुट के लिए मुझे पता है सिर्फ एक चीज़ प्रिंट करनी है दैट इज़ प्रिंट प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करो और लद्ले आउटपुट देते जाओ जो देना है फिर ये क्या है इनपुट इनपुट कैसे वर्क करता है इनपुट मतलब मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ चलो लेट्स से मैं एक यूजर हूं और मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं तो क्वेश्चन कैसे पूछूंगा वट इज योर एज तुम्हारी एज क्या है और तुम क्या दोगे मेरे को एक आंसर दोगे और उस आंसर को मैं प्रिंट करूंगा ठीक है सो दिस इज हाउ इनपुट स्टेटमेंट्स नाउ वेन एवर यू वॉन्ट टू आस समथिंग फ्रॉम द यूजर यू हैव टू यूज इनपुट फंक्शन जस्ट वन थिंग एंड दैट इज आई एन पी यू टी इनपुट इसके अलावा कुछ नहीं होता पूछने के लिए चलो दिखाता हूं लेट्स से मैंने लिखा आई एंड पी यू टी इनपुट और इनपुट में लिख दिया वॉट इज योर एज क्या है आपकी एज तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो होने क्या वाला है भाई और हाँ इनपुट के अंदर भी अपन एक स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं स्ट्रिंग क्यों क्योंकि एक सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस में मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो क्वेश्चन हमेशा एक स्ट्रिंग में ही पूछा जाता है ठीक है तो मैं एक स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ व्हाट इज योर एज और जैसे ही मैं रन करूँगा तो देखो नीचे क्या आ रहा है वॉट इज योर एज भैया ये तो प्रिंट हो गया नहीं 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 दोस्त ये प्रिंट नहीं हुआ है ये क्वेश्चन पूछा गया है लो अगर मैं इसके आगे ये लगा दूँ क्वेश्चन मार्क तो और थोड़ा समझ आएगा वट इज योर एज भैया ये लो आपने तो एक प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट भी यही करता है लेकिन प्रिंट पता है तुम्हारे को इनपुट नहीं लेता ये इनपुट लेता है इनपुट कैसे लेता है तुम्हें तो दिख रहा होगा यहाँ पे कर्सर बना रहा है और इस कर्सर पे तुम पता है कुछ कुछ चीजें लिख सकते हो अब जैसे तुम लिखोगे ट्वेल्व ये जाके सेव हो जाएगा कहीं ना कहीं पे अब देखो होता क्या है ना अपनी रैम होती है ठीक है ये रही मेरी रैम इस टाइप की दिखती है दिस इज हाउ माई

मेरे को तो कोई लोकेशन ही नहीं पता तो वो ऑटोमेटिक कहीं किसी एक गार्बेज एरिया में जाके सेव हो जाती है जिसकी मुझे लोकेशन नहीं पता तो मैं इसको कहीं ऐसा सेव करना चाहता हूं जहां पे मैं उसको बार बार यूज कर सकूँ या फिर मेरे को उसकी लोकेशन पता हो तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ एक वेरिएबल का तो जब भी तुम किसी चीज़ का इनपुट ले रहे हो उसको किसी एक स्टोरेज या फिर किसी एक वेरिएबल में सेव कर लो तो मान लो मैंने लिख दिया एज इज इक्वल्स टू इनपुट वॉट इज योर एज और अब अगर मैं रन करूंगा तो होगा वैसी सेम चीज़ एग्जीक्यूट लेकिन अब ये जो ट्वेंटी टू है कहाँ जाके सेव हो गया होगा एज वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो गया होगा और हाँ बिल्कुल सही मेरी एज ट्वेंटी टू ईयर्स की ठीक है अगर तुम्हारे को ज्यादा लग रही थी आई आई एम एम रियली सॉरी बट चलो अब मेरे को पता है ट्वेंटी टू कहीं ना कहीं जाके सेव हो रहा है और वो कहां जाके सेव हो रहा है एज तो क्या मैं एज को अगर प्रिंट करूंगा तो एज प्रिंट हो जाएगी क्या बाइस प्रिंट हो जाएगा हाँ बिल्कुल हो जाएगा लो वट इज योर एज यज इजेंटी टू ओ तेरी बाइस प्रिंट हो गया तो ये तो बहुत आसान चीज हो गई यस yes, बिल्कुल आसान चीज़ हो गई इनपुट लेने के लिए यू जस्ट हैव टू यूज अ इनपुट स्टेटमेंट और उसको सेव कर लेना अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है ट्विस्ट ये आता है व्हाट इज योर एज मैंने बाइज बताई तो ये बाइज इंटीजर में सेव हो रहा होगा या फिर ये जो एज का डेटा टाइप है वो इंटीजर होगा क्या चलो चेक करते हैं ये मैंने टाइप चेक किया और जैसे इसको रन किया व्हाट इज योर एज ट्वेंटी टू क्लास स्ट्रिंग मतलब जब भी मैं किसी इनपुट को लेता हूं तो हमेशा किस में सेव होता है स्ट्रिंग में सेव होता है लेकिन भैया एज तो एक इंटीजर होता है मुझे इंटीजर में सेव करना है ठीक है तो इसीलिए तो इसके जस्ट पहले मैंने टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग सिखाई थी तुम कुछ नहीं करना है। जब भी तुम इनपुट ले रहे हो तुम टाइप कास्ट कर दो आई एन टी इंट और ये हो गया भाई तुम्हारा टाइप कास्ट और अब अगर तुम रन करोगे व्हाट इज योर एज मैंने लिखा भाई मेरी एज है छप्पन फिफ्टी सिक्स तो क्लास क्या आई इंटीजर अब ये जो फिफ्टी सिक्स सेव हुआ होगा ये एक इंटीजर में सेव हुआ होगा ठीक है तो इनपुट लेते समय ध्यान रखना अगर तुम स्ट्रिंग का ले रहे हो डायरेक्ट लिख दो अगर तुम किसी इंटीजर फ्लोट किसी चीज का ले रहे हो तो इसके आगे क्या लगा देना आई एन टी या फिर एफ एल ओ ए टी फ्लोट सो दिस इज हाउ यू यूज योर इनपुट स्टेटमेंट्स आई होप तुम्हारे को समझ आया होगा नहीं आया तो फिर से वही एक चीज बोलूंगा रिवाइंड कर लो यार तुम्हारे लिए तो फ्री है यूट्यूब पे थोड़ा सा बस ये डबल ट्रिपल टैप करोगे तुम दस दस सेकंड पीछे जाओगे हो गया तुम्हारा काम ठीक है एक चीज को दो दो तीन तीन बार भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं और हाँ ध्यान से नोट्स बनाते चलना क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे ना तुम्हें को याद नहीं आएंगी कुछ कुछ चीज़ें तो उसके लिए तुम नोट्स बनाते हुए चलना चलो आगे बढ़ते हैं इनपुट स्टेटमेंट भी हो गया इनपुट स्टेटमेंट के बाद में थोड़ी बहुत जनरल थिंग्स बताना चाह रहा हूँ एंड दैट जनरल थिंग्स इज लाइक एस्केप सीक्वेंस रॉ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड स्ट्रिंग देखो क्या है ना एस्केप सीक्वेंस बहुत काम की चीज होती है यूज आती है कैसे आती है अलावा भी यूज आ सकती है बट जनरली अपन लोग इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स में यूज करते हैं ना वट आर एस्केप सीक्वेंस लेट्स से मैंने लिखा प्रिंट माई नेम इज आकर्ष एंड माई एज इज ट्वेंटी टू ठीक है, This is a normal statement जो मैं प्रिंट करना चाह रहा मैंने इसको run किया और क्या आया? एंड के बाद ना एंड के बाद माई एज इज ट्वेंटी टू नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो तो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करने के लिए सबसे पहली चीज तो अपन क्या कर सकते हैं इसे कॉपी करो और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट बनाओ प्रिंट का और उस स्टेटमेंट के अंदर कॉपी कर दो माई एज इज ट्वेंटी टू तो अब होगा क्या माई ने इस तरीके से वर्क करता है लेकिन वॉट इफ इस चीज का मुझे भैया यूज ही नहीं करना है मैं चाहता हूं इस एक ही स्टेटमेंट के अंदर मैं नेक्स्ट लाइन पे भी चीजें प्रिंट कर सकूं तो इसके लिए तुम यूज करते हो किस चीज का एस्केप सीक्वेंस इसका काय का एस्केप का? सीक्वेंस का तो एंड के बाद तुम्हें बस एक चीज लगानी है दैट इज एन

स्लैश इनका भी प्रिंट नहीं होता क्योंकि इसको अपन बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस तो इसी टाइप के अपने पास थोड़े बहुत और एस्केप सीक्वेंस होते हैं जैसे स्लैश टी स्लैश बी अगर मैं एक स्लैश टी का यूज कर रहा हूँ और इसको मैंने रन किया तो तुम देखो माई नेम इज़ आकर्ष एंड यहाँ पे तुम्हें तो दिख रहा होगा एक दो तीन चार पाँच स्पेसेस आ गए ये पांच स्पेसेस क्यों आए क्योंकि मैंने स्लैश टी स्लैश टी मतलब टैब ठीक है अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लैश बी स्लैश बी से क्या होगा मैंने इसको रन किया माई नेम इज आकर्ष एंड की जगह मैंने देखा डी मेरा गायब हो चुका है क्यों क्योंकि स्लैश डी फॉर डिलीट या फिर अपन बोल सकते हैं बैक स्पेस के लिए तो एक बैक स्पेस लग जाता है तो दीज आर समय बोल सकते हैं अपन क्या एस्केप सीक्वेंसेस मैंने आप सिर्फ तीन बताए क्योंकि अगर तुम डॉक्यूमेंट्री में जाओगे और तुम सर्च करोगे ऑल दी ई एस सी ए पी एस्केप सीक्वेंसेस इन पाइथन तुम्हारे को एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट दिखेगी दैट इज डब्लू थ्री स्कूल उस पर तुम्हारे को सारे एस्केप सीक्वेंसेस दिख जाएंगे ठीक है एक बार इन पे बस जाके एक बार देख लेना जैसे स्लैश टी स्लैश बी स्लैश एन और ये सारी चीज़ें स्लैश फॉर्म फीड तो एक बार बस देख लेना इनका यूज केस अगर आ जाए समझ तो सही है नहीं तो मेनली वैसे जो जो यूज होता है मैंने वो तुम्हें बताती है ठीक है सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क इन आर पाइथन अब होता क्या है ना अगर ये एक नई चीज ईजाद हुई है तो दूसरी चीज का भी ईजाद करना जरूरी है और वो होती है स्ट्रिंग्स ठीक है अब क्यों ऐसा बनाया गया स्ट्रिंग्स को मैं समझाता हूं सबसे पहले तो एग्जाम्पल ले लो स्ट्रिंग होती क्या टू एंड योर लाइन यू हैव टू यूज स्लैश एन ठीक है मैंने लिखा अगर तुम अपनी लाइन को एंड करना चाहते हो नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या यूज करना रहता है स्लैश एन का यूज करना रहता है बहुत बढ़िया यार भैया ठीक है लो मैंने रन किया टू एंड योर लाइन यू हैव टू यूज यू हैव टू यूज क्या स्लैश एन स्लैश एन तो दिख ही नहीं रहा अरे यार स्लैश एन क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि ये तो एक स्केप सीक्वेंस है इसको कैसे लिखू हम मैं अब ध्यान से सुनना कभी भी अगर तुम्हें एस्केप सीक्वेंस का यूज नहीं करना और उनको जैसे प्रिंट करना या फिर उनका कहीं भी यूज नहीं करना काफी बार तुम ऐसे लोकेशन लिखते हो तो स्लैश स्लैश यूज करना पड़ता है तो गलती से लाइन वाइन एंड ना हो जाए तो उसके लिए तुम लिखते हो तो एक रॉ स्ट्रिंग और रॉ स्ट्रिंग बनती कैसे जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग है ना स्ट्रिंग के पीछे सिर्फ क्या दबा दो एक आर जैसे ही तुमने एक आर दबाया तो अब ये बन चुकी है एक स्ट्रिंग और इस रॉ स्ट्रिंग के अंदर तुम अपनी लाइन भी एंड कर सकते हो ओ लाइन एंड नहीं कर सकते और कुछ भी चीज नहीं कर सकते क्योंकि ये सब चीजें अब वर्क नहीं करेंगी सो दू स्टॉप यूजिंग योर एस्केप सीक्वेंसेज यू हैव टू यूज अ रॉ स्ट्रिंग दैट्स इट मतलब अगर मैंने रन किया टू एंड योर लाइन यू हैव टू यूज स्लैश स्लैशन देखो स्लैश स्लैशन मेरा टर्मिनल पे प्रिंट हो गया दैट्स इट समझ आया क्या होता है अगर मैंने यहां पे लिख दिया स्लैश बी कुछ भी यूज नहीं होगा नो स्के छोटा सा आर और ये आर क्या बना देता है अपनी स्ट्रिंग को एक रॉ स्ट्रिंग बना देता है आई होप ये वाली चीज भी तुम्हें समझ आ गई हो ठीक है अब अपन बात करने वाले फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पे और ये लास्ट चीज होती है पता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ पाइथन में बताता हूँ क्यों बहुत अच्छा एग्जांपल एज इज to टू ट्वेल्व बाईस बारह साल का नहीं हूं मैं ठीक है मैंने एक वेरिएबल बनाया एज और एक वेरिएबल बनाया नेम और उसमें नाम और एज सारी की सारी चीजें सेव कर दी नाउ व्हाट इफ मैं इन दोनों चीजों को प्रिंट करना चाहता हूँ मैं कैसे कर सकता हूं प्रिंट और मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ माय नेम इज और उस वेरिएबल का यूज करूं एंड माय एज इज उस एज वेरिएबल का यूज़ तो कैसे यूज कर सकता हूं मैं यहाँ पे लिख सकता हूं माय नेम इज और उसके बाद मेरे को लगाना क्या पड़ेगा यहाँ पे कॉमा कॉमा से क्या होगा मैं किसी एक वेरिएबल का यूज कर पाऊंगा नेम फिर एक और कॉमा फिर एक स्ट्रिंग करना पड़ेगा एंड माई एज इज फिर एक और कॉमा लगाना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा एक और वेरिएबल दैट इज एज ठीक है है अब अगर इसके आगे एक लिखनी तो फिर से कॉमा लगा के थैंक यू ऐसा लिखना बड़ा बहुत ज्यादा लंबा है यार प्रोसेस तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो कैसा प्रिंट होगा माई नेम इज आकर्ष एंड माई एज इज ट्वेंटी टू क्योंकि देखो नेम रिप्लेस हो गया आकर्ष से और एज रिप्लेस हो गया ट्वेंटी टू से और इस तरीके से मैं किसी एक स्ट्रिंग को प्रिंट करता हूँ ठीक है होता गया है ना जब भी मैं प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ इस तरीके से तो बार बार मुझे कॉमा 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 लगाना पड़ता है और काफी ज्यादा मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है इस तरीके से टाइप करना ठीक है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज पायतन ने ईजाद करी और उसका नाम है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग जैसे रॉ स्ट्रिंग बनाने के लिए तुम यहाँ पे आर यूज कर रहे थे ना अब तुम्हें करना है एफ यूज क्या यूज करना है एफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए तुम्हारे को बस एक ही स्ट्रिंग बनानी है कितनी स्ट्रिंग बनानी है सिर्फ एक स्ट्रिंग और इसी एक स्ट्रिंग के अंदर तुम सारे वेरिएबल्स भी यूज कर पाओगे सब कुछ यूज कर पाओगे जैसे माई नेम इज मेरे को पता है कहां है नेम के अंदर तो जब भी तुम्हें किसी वेरिएबल का यूज करना है तुम्हें बस करली ब्रेसिस यूज करने है करली ब्रेसिस यूज करो और लिख दो नेम फिर लिखना एंड माई एज इज वापिस से करली ब्रेसेस का यूज करो और यूज कर दो किसका एज का दैट्स इट ईजी डन एंड डस्ट इड क्यों क्योंकि बस तुम्हें क्या यूज करना है करली ब्रेसिस का जैसे तुम करली ब्रेसिस का यूज करोगे हो गया तुम्हारा काम फॉर्मेट स्ट्रिंग का दिस इज हाउ यू डू इट मैंने इसको रन करा माय नेम इज़ आकर्ष एंड माय एज इज ट्वेंटी टू सेम स्टेटमेंट एवरीथिंग सेम बस एक ही स्ट्रिंग के अंदर ना कुछ कॉमा लगाना पड़ा ना कुछ बस वेरिएबल्स को यूज करने के लिए क्या करना पड़ा एक करली ब्रेसिस और हाँ एक अच्छी चीज़ इसमें ना तुम चीज़ें भी यूज कर सकते हो जैसे एज प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू प्लस ट्वेल्व कितना होता है जल्दी बताओ जल्दी बताओ थर्टी फोर ठीक है ऑब्वियसली अभी तुम्हें नहीं पता होगा आने वाली वीडियो में मतलब तो आने जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी ये सब भी चीज़ें पता लग जाएंगी बट दिस इज इजी स्टफ आई होप तुम्हारे को समझ आया ठीक है तो ये हो गई फॉर्मेट स्ट्रिंग कम्प्लीट तो अपन लोगों ने एक अच्छा खासा पार्ट कंप्लीट कर लिया अपने प्रोग्रामिंग का और अगर तुम्हारे को यहाँ तक सारी चीज समझ आ गई है तो एक थम्स अप बनता है भाई लाइक करना चाहो तो कर दो डिपेंड्स ऑन यू ठीक है तो ये सारी चीजें अपनी हो चुकी कंप्लीट और अब अपन जाने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे दो जान है ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ठीक है तो मैं दो मिनट टॉयलेट करके आ रहा हूँ ठीक है अगर मैं टॉयलेट करके और मेरी शर्ट चेंज हो जाए तो तुम चौकना मत ठीक है तो चलो भाई अब अपन शुरू करते हैं अर्थोमेटिक ऑपरेटर से और उससे पहले तुम बोलो कि भैया फिर से आपकी शर्ट चेंज हो गई आई नो दैज मैजिक यू नो कोड कोड ऑब्वियसली डोंट नो दैट्स यू आर तो लेकिन उन सब चीजों को छोड़ो बट ऑब्वियसली हाँ, मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूं तो चलो अपन बात करते हैं ऑपरेटर्स पे वी टू यूज इन कोड वी यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर मतलब भैया आपने बड़ी भारी भारी इंग्लिश बोल दी इसका मतलब क्या है भाई सीधी बात जब भी अगर तुम्हारे को कोई भी मैथ्स की इक्वेशन को यूज करना है प्लस माइनस डिवाइड या फिर अर्थमेटिक सारी इक्वेशन जो होती हैं उसके लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा, का, Now, numbers, so ये बहुत सी लाइन है तुम्हें समझ आ रही होगी कि जब भी मैं मैथ्स की बात करता हूं मैथ्स हमेशा नंबर्स के बीच में होता है जैसे ट्वेल्व प्लसटीन थर्टी या फिर 26, या जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो हमेशा नंबर के बीच में होते हैं तो कौन सा डेटा टाइप यूज करना है? हमेशा नंबर्स का जल्दी से देख हैं नंबर्स के कौन से कौन से डेटा टाइप थे देर

हाँ, बिल्कुल आ रहा है ये देखो पच्चीस आ गया तो भैया क्या ये इतना आसान होता है अगर तुम तीसरा नंबर ऐड करना चाहते तो कर सकते क्या हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं लो प्लस प्लस कितना हुआ फिफ्टी नाइन तो अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करना तो बहुत ईजी होता है अब पता है लोग गलती क्या करते हैं लोग गलती ऐसे कर देते हैं कि वो कभी कभी किसी स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं मतलब 12 प्लस थर्टीन अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो तो कोई दिक्कत नहीं है वॉट इफ मैंने 12 प्लस थर्टीन एक स्ट्रिंग में लिख दिया अगर तुम पाइथन में कभी किसी स्ट्रिंग को किसी नंबर से ऐड करना चाहोगे तो तुम्हारे को एक ऑब्वियसली क्या आएगा एक एरर आएगा और वो एरर कुछ इस टाइप का देखेगा अनसपोर्टेड ऑपराइन टाइप्स फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग तुम इंटीजर्स और स्ट्रिंग को कभी भी ऐड नहीं कर सकते तो भैया सिर्फ नंबर्स को ऐड कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं और हाँ अगर कभी तुम दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना चाहोगे जैसे ट्वेल्व प्लस थर्टीन तो पता है इसका आंसर क्या आएगा

इक्वल्स टू और अगर मैंने लिख दिया प्रिंट ए प्लस बी अब ध्यान रखना ए और बी दोनों का डेटा टाइप क्या है अपना इंटीजर्स और इंटीजर्स को जब मैं प्लस करता हूं तो 50 और 12 ऐड हो जाएंगे मैंने रन किया तो कितना आया टू इज आंसर ठीक है तो ये तो बहुत आसान चीज थी अब इसी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में थोड़ी बहुत और चीज आती है माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सारी चीजें तो मैं पता ही होगी लेकिन फिर भी एक एक एग्जांपल दे रहा हूं जल्दी से ट्वेल्व माइनस फिफ्टी आंसर कितना होगा इसका आएगा आंसर माइनस थर्टी एट और ये देख लो भाई आंसर कितना आया माइनस का थर्टी एट चलो ठीक है ये भी हो गया क्या भैया इसको अपन कई और स्टोर करके रख सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हो ए माइनस बी कर दो और सी के अंदर स्टोर हो जाएगा माइनस थर्टी एट तो चलो ये तो बहुत जनरल चीज थी आई होप तुम्हें कोई वाली चीज समझ आ रही हो फिर माइनस के बाद आता है एक मल्टीप्लीकेशन दिस इज एन

अगर तुम किसी और लैंग्वेज में जाओगे जैसे सी हो गया सी प्लस प्लस हो गया उसमें तुम कभी भी किसी फ्लोट और इंटीजर्स को साथ में नहीं जोड़ पाओगे ये हाँ सही में ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें तुम नहीं कर सकते क्यों क्योंकि क्यों? वो कंपाइल्ड टाइम लैंग्वेज होती है लेकिन अपना क्या है अपना इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है अपना एक एक लाइन करके सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं और काफी ईजिली ये सब चीज़ों को डिटरमाइन कर लेता है तो अब मैंने इसको रन किया तो आंसर कितना है ट्वेंटी फोर पॉइंट

फाइव आना चाहिए अब पता आंसर कितना आने वाला है आंसर आएगा फाइव पॉइंट जीरो कितना आया फाइव पॉइंट जीरो क्यों क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि अगर तुम कभी भी डिवीजन का इस्तेमाल करोगे तो डिवीजन में हमेशा आंसर किस में आएगा अपना पॉइंट्स में आएगा या फिर मैं बोल सकता हूँ फ्लोट में वैल्यू आएगी तो भले ही दोनों इंटीजर थे थर्टी फाइव और सेवन लेकिन अगर तुम डिवीजन कर रहे हो तो हमेशा आंसर किस में आएगा फ्लोट्स में आएगा तो आ गया 5.0 और ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 34 लिखा होता तो तो फिर वो आ ही जाता अच्छे से 4.85 ये जितना लंबा सा जो भी नंबर होता है सो दिस इज एन इजी थिंग आई होप तुम लोगों को ये वाली चीज़ समझ आ रही हो अब होता क्या है ना मैंने बोला कि यार भैया ये जो आ रहा है आंसर ये जो मैंने थर्टी फाइव बाई से किया मुझे पता है इसका आंसर पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए फाइव पॉइंट जीरो नहीं चाहिए मुझे फिर मैं ऐसा क्या यूज कर सकता हूँ जिससे पॉइंट की वैल्यूज हट जाए मतलब बीच में जो पॉइंट है वो चीज हट जाए तो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो फ्लोर डिवीजन का अब मैं समझाता हूँ वॉट इज फ्लोर डिवीजन एक होता है नॉर्मल डिवीजन जिसमें मैं सिंगल स्लैश का यूज करता हूँ और एक होता है फ्लोर डिवीजन जिसमें मैं डबल स्लैश का यूज करता हूँ ये दो अब जैसे ही मैंने डबल स्लैश का यूज किया तो आंसर पता है किसमें आने वाला है विदाउट पॉइंट आएगा मतलब अगर मैंने इसको रन किया तो आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ कितना फाइव आएगा और अगर मैंने सिंगल का यूज किया तो कितना आएगा फाइव पॉइंट जीरो आएगा अब भैया तो ये तो फिर मैं हमेशा यूज करूँगा अगर मुझे इंटीजर्स में वैल्यू चाहिए रहेगी बिल्कुल कर सकते हो लेकिन काफी बार दिक्कत ये होती है कि लेट्स से मेरे को डिवाइड करना है थर्टी को फोर uh, से तो थर्टी को जब भी मैं फोर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे पता है कुछ ना कुछ आंसर पॉइंट में आएगा ये देखो ए डिवाइड बाई बी और आंसर आया सेवन पॉइंट फाइव सही है सेवन पॉइंट फाइव आएगा लेकिन अगर गलती से मैंने डबल डिवीज़न लगा दिया तो जो पॉइंट फाइव है वो भी गायब हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा सेवन मतलब इन ऑल कंटेक्ट में अगर समझे तो फ्लोर डिवीज़न सिर्फ और सिर्फ सारी पॉइंट्स की वैल्यू को गायब कर देता है दैट्स इट इसको मैंने रन किया और देखो सिर्फ आया कितना आंसर सेवन आया कि नहीं आया भाई यू समझ अगर आगे यहाँ तक समझ तभी आगे बढ़ना ठीक है तो ये वाली चीज हो गई फिर आता है अपने डबल एस्ट्रिक डबल एस्ट्रिक बहुत ईजी चीज होती है एक बार में तुम समझ जाओगे डबल एस्ट्रिक में डब सबसे पहले एक चीज ध्यान रखो डबल एस्ट्रिक में लेफ्ट साइड एक वैल्यू होती है और राइट साइड एक वैल्यू होती है वैसे तो खैर हरी ऑपरेटर्स में होती है तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है अपनी नॉर्मल नंबर और राइट साइड में जो मैं वैल्यू लिखता हूँ वो होती है अपने नंबर की पावर मतलब भैया फाइव लिखा मैंने यहाँ पे और मैंने यहाँ पे लिख दिया टू तो अपन क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं फाइव की पावर टू हाँ, बिल्कुल सही फाइव की पावर टू प्रिंट करना चाह रहे हैं फाइव की पावर टू कितनी होती है ट्वेंटी फाइव तो देखो रन करा कितना कर आंसर ट्वेंटी फाइव और ऑब्वियसली वेरिएबल्स में भी यूज कर सकते हैं ए यहाँ पे लिख दिया मैंने ए और यहाँ पे मैंने लिख दिया बी तो ए की पावर बी मतलब थर्टी की पावर फोर अब थर्टी की पावर फोर बहुत बड़ा आंसर आने वाला है जैसे कि तुम देख सकते हो एटी वन थाउजेंड आ रहा है एटी वन एट लैक टेन थाउजेंड आ रहा है सो दिस इज द आंसर ऑफ आर ए की पावर बी तो अपन बोल सकते हैं डबल एस्ट्रिक मतलब सीधे सीधे पावर चढ़ाना ठीक है आई होप तुम लोगों को ये वाली चीज़ भी समझ आई हो नाउ द लास्ट थिंग दैट वी वॉन्ट टू डिस्कस इज मॉड फंक्शन ठीक है अब मॉड फंक्शन बहुत अटपटा होता है और काफ़ी आसान भी होता है और काफ़ी ट्रिकी भी होता है क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन में मॉड का यूज़ आएगा मैं समझाता हूँ कैसे सबसे पहले तो मेरे को ये अपना पैड कनेक्ट करने दो यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है जैसे मैं पैड कनेक्ट कर रहा हूँ थ्री टू वन स्टार्ट हाँ तो अपन समझ रहे थे मॉड फंक्शन क्या होता है तो मॉड फंक्शन कुछ नहीं होता मॉड फंक्शन सबसे पहले तो इस तरीके से दिखता है दैट इज परसेंटेज साइन करता क्या है ये समझो लेट्स से मेरे पास नंबर है ट्वेल्व और मैंने लिखा ट्वेल्व मॉड मान लो मैंने लिखा सेवन मैंने क्या लिखा ट्वेल्व मॉड सेवन तो इसमें होता डिवीजन ही है ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सेवन इसी तरीके से वर्क करेगा सेवन से कितना होगा सेवन बचेगा का कितना यहाँ पे यहाँ पे बचेगा अपना फाइव और आंसर क्या होगा अपना

और ये देख सकते हो तुम आंसर कितना आ रहा है मेरा फाइव का ठीक है तो तुम्हें समझ आ रहा हो मॉड फंक्शन करता क्या है तो भैया मॉड फंक्शन का यूज क्या है देखो बहुत जगहों पे यूज आता है लेट्स से मेरे को लास्ट वाली डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ मॉड टेन कर सकता हूँ तो मॉड टेन से हमेशा लास्ट की डिजिट निकल के आ जाएगी ये देखो आ गई कि नहीं आ गई तो ये बाद में अपन देखेंगे कभी जब क्वेश्चन सेट अगर तुम लोगों ने पूछे क्वेश्चन सेट्स तो मैं करवाऊंगा और तुम्हें को आगे सब चीजें समझ आ जाएंगी बट अभी हाल फिलहाल समझ गए मॉड क्या करता है मॉड सिर्फ और सिर्फ क्या करता है रिमाइंडर्स निकाल के देता है तो ये तो हो गए अपने सारे क्या अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और मुझे पता चल गया सबका क्या क्या यूज केस होता है किस तरीके से वर्क करता है अब जो नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं दैट आर आल्सो ऑपरेटर्स और उनको अपन बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं कंपैरिजन इज ऑलवेज डन बिटवीन टू थिंग्स एज वी नो कि कभी भी अगर मेरे को किसी चीज़ के बीच में कंपेरिजन करना है चलो तुम लोगों को बताता हूँ लॉन्डे मेनली पता है क्या करते हैं लॉन्डे लड़कियों में कंपेरिजन करते हैं फॉर एग्जाम्पल उनके पास सामने दो लड़के हैं तो वो देखेंगे भाई एक के बाल लंबे हैं एक के बाल छोटे हैं एक की आईलैशे बड़ी हैं एक की आई लैशेज छोटी हैं तो इन ऑल अगर मैं बात करूँ जो कंपेरिजन होता है वो हमेशा किसी दो चीजों के बीच में होता है तो अपने जो प्रोग्राम है उसमें भी कंपेरिजन किस में होगा दो या दो से ज्यादा चीजों के बीच में ही कंपेयर कर सकते हैं मतलब जो अपने नंबर्स होते हैं अपनी स्ट्रिंग्स होती हैं उनके बीच में अपन कंपेरिजन कर सकते हैं चलो देखते हैं कैसे लेट्स से मेरे पास दो डेटा है ठीक है एक है ए इज इक्वल्स टू मान लो मैंने लिख दिया हंड्रेड और बी इज इक्वल्स टू टू हंड्रेड ठीक है अब मुझे नहीं पता कौन सी चीज क्या बड़ी है तो मैंने लिख दिया ए इफ बी चलो इफ फिफ्थ छोड़ो बाद में देखेंगे अब मेरे को कंपेयर करना है कि भाई क्या बी ए से बड़ा है तो कंपेरिजन के लिए अपने को कुछ नहीं लिखना पड़ता अपने को बस लिखना पड़ता है बी इज ग्रेटर देन ए तो क्या बी इज ग्रेटर देन ए है क्या 200 सौ सौ से बड़ा होता है ये yes, बिल्कुल होता है और अगर किसी को नहीं पता है, ये बड़ा छोटा कैसे देखते हैं तो मेरे को बचपन में भी मम्मी ने सिखाया था जहां पे चोच खुल रही है फिर खुली हुई है ये गुफा खुल रही है उसको अपन बोलते हैं बड़ी साइड और जहां पे चोच बंद हो रही है दैट इज आर स्मॉल साइज तो बी इज ग्रेटर देन ए और इसका आंसर क्या आना चाहिए इसका आंसर आया ट्रू अगर मैं लिख देता हूँ बी इज स्मॉलर देन

तो इस तरीके से अपन कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट इज ग्रेटर देन आंसर आएगा क्या ट्रू ओ सॉरी फॉल्स ऑब्वियसली इज इज नॉट ग्रेटर ग्रेटर देन देन मैंने लिख दिया सॉल्वर तो आंसर क्या आएगा ट्रू आ जाएगा ठीक है तो अब देर आर मोर देन वन कंपेरिजन ऑपरेटर्स और वो होते हैं छह टाइप के एक होता है डबल इक्वल्स टू जो दोनों साइड को कंपेयर करता है दोनों की दोनों साइड की वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए मतलब तो आएगा? आएगा. क्यो? मतलब वैल्यू और राइट right साइड वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए तो दोनों तो इक्वल नहीं है एक फोर्टी फाइव एक सिक्सटी सेवन कहां से इक्वल है ये देखो फॉल्स आ गया लेकिन अगर मैंने यहाँ पे फोर्टी फाइव लिख दिया अब क्या आएगा आंसर इसका ट्रू आ जाएगा ये देखो आया कि नहीं आया ट्रू सो दिस इज हाउ कंपेरिजन ऑपरेटर्स वर्क फिर होता है एक नॉट नॉट इक्वल्स इक्वल्स टू टू एज द नेम कि दोनों के दोनों साइड अलग होनी चाहिए तो अभी इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बता दो इसका आंसर आएगा फॉल्स क्यों क्योंकि मैं चाहता हूं लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और राइट right साइड वाली वैल्यू अलग हो नहीं होनी चाहिए इक्वल और यहां पे मैं क्या देख रहा हूं यहां भी फोर्टी फाइव यहाँ भी फोर्टी फाइव है तो दोनों बिल्कुल इक्वल हो गए तो आंसर आएगा क्या फॉल्स हाँ अगर मैंने यहां पर लिख दिया फोर्टी एट इज नॉट इक्वल टू फोर्टी बिल्कुल सही ये लो, रन करो और आ गया ट्रू आंसर सो दिस इज हाउ यू यूज कंपैरिजन ऑपरेटर्स फेयर है एक लेस देन एक है ग्रेटर देन और ये भी मैंने अभी अभी दिखाई दी ये तो बहुत ही आसान होता है फिर एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू ये भी मैं समझा देता हूँ काफी बार होता क्या है ना कि तुम कभी दो वैल्यूज को लेकर चलते हो तो तुमने बोल दिया ट्वेल्व इज ग्रेटर देन ट्वेल्व ठीक है 12 और अभी इसका मैं आंसर देखूंगा तो क्या आएगा फॉल्स आएगा क्यों क्योंकि बारह बारह से बड़ा नहीं होता अब अगर तुमने लगा दिया ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो क्या हो जाएगा बारह या तो बड़ा होना चाहिए लेफ्ट साइड वाली वैल्यू या फिर इक्वल होनी चाहिए राइट साइड के तो मैं देख सकता हूँ ट्वेल्व इक्वल्स टू ट्वेल्व तो आंसर सही आएगा और अगर यहाँ पे मैंने सेवनटीन भी लिख दिया तो भी आंसर ट्रू ही आएगा क्यों क्योंकि लेफ्ट साइड वाली वैल्यू या तो बड़ी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए तो आई होप ये वाली चीज भी तुम्हारे को समझ आ गई होगी कैसे कंपेरिजन ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है अब इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ना एक और ऑपरेटर आता है जिसको अपन बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोलते हैं उसको लॉजिकल ऑपरेटर मैं तुम्हें समझाता हूं लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करता है ठीक है तो अगर लॉजिकल ऑपरेटर्स की मैं बात करूं तो लॉजिकल ऑपरेटर मतलब मैं काफी बार दो कंडीशंस को साथ में देखना चाहता हूं तो ये तो रही मेरे सामने एक कंडीशन और व्हाट इफ मैं दूसरी कंडीशन को भी देखना चाहता हूं तो वहां पे मैं यूज करता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स का अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स दिखता है लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं एंड और और एक और होता है ठीक है एंड और नॉट जो तीनों चीज होती है इनको अपन बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स और मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे वर्क करते हैं देखो लेट्स से मैंने लिखा प्रिंट ट्वेल्व इज ग्रेटर देन इज स्मॉलर देन सही लिखा अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन पास कर रहा हूँ एक और कंडीशन पास करने के लिए तुम डायरेक्टली ऐसे स्पेस दे के नहीं लिख सकते फोर्टी फाइव इज ग्रेटर देन सेवेंटी एट तो यहाँ पे लिखने का एरर आ जाएगा कि भाई ये क्या करा आपने एक कंडीशन लिखी और फिर दूसरी कंडीशन लिख दी ऐसे नहीं करते इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा तुम्हें लिखना पड़ेगा एंड ऑपरेटर का तुमने लिखा एंड और तुमने लिखा थर्टी फोर इज ग्रेटर देन ट्वेंटी थ्री बिल्कुल सही है, तो दोनों दोनों है? हाँ है तो ग्रेटर देन करता, तो करता क्या है ना एंड ऑपरेटर बोलता है भाई पहली कंडीशन तो ट्रू हो गई चलेगा लेकिन साथ साथ तुम्हें दूसरी कंडीशन भी ट्रू करनी पड़ेगी तभी मैं पूरे के पूरे आंसर को किस में दूंगा टी आर ट्रू में दूंगा अगर तुम्हारी गलती से कभी भी तुमने कुछ गलती कर दी और एक कंडीशन गई तो पूरे का पूरा आंसर किस में देदेगा? देदेगा. तो तुम्हें समझ आ रहा होगा एंड ऑपरेटर करता क्या है एंड ऑपरेटर मतलब तुम्हारी सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो सारी की सारी क्यों बोल रहे हो भैया तो आपने दो ही लिखी है तुम तीन भी लिख सकते हो एंड ट्वेंटी थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन वन ठीक है तो क्या तीनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं पहली कंडीशन हाँ भैया ट्रू है ट्वेल्व इज स्मॉलर देन थर्टीन सेकंड कंडीशन थर्टी फोर इज ग्रेटर देन ट्वेंटी थ्री ये भी सही है एंड ट्वेंटी थ्री इज ग्रेटर देन वन भैया ये भी सही है तीनों कंडीशन मेरी सही है तो अगर मैंने इसको रन किया तो क्या आएगा आंसर ट्रू नाउ लेट्स से तुमने गलती से एक कंडीशन भी फॉल्स कर दी मान लो ट्वेंटी थ्री मस्ट भी ग्रेटर देन सिक्सटी सेवन तो ये तो गलत कंडीशन हो गई पहली सही है दूसरी सही है लेकिन तीसरी तुमने गलत कर दी तो अब तुम्हारा आंसर ओवरऑल क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा फॉल्स तो एक भी कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए ठीक है तो ये तो था मेरा पहला लॉजिकल ऑपरेटर जिसको मैं यूज करता हूँ किसके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ फिर आता है मेरा दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर जिसको मैं बोलता हूं और अब देखो और कैसे वर्क करता है मैंने यहां पे लिखा और 45 इज ग्रेटर देन 67 और 12 इज ग्रेटर देन 34 तो अब यहां पे मुझे एक चीज दिख रही है पहली कंडीशन सही है दूसरी कंडीशन गलत है एंड तीसरी कंडीशन भी क्या है गलत है तो सिर्फ एक कंडीशन सही है और सारी कंडीशन मेरी गलत है तो आंसर किस में आएगा तुम्हें क्या लगता है ट्रू आएगा या फिर फॉल्स देखो ये सही है ये गलत है ये भी गलत है तो आंसर क्या आना चाहिए इसका आंसर आएगा ट्रू अब समझो क्यों और ऑपरेटर पता है क्या करता है और ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ एक चीज ढूंढता है कि भाई मेरे को अगर कोई भी एक कंडीशन सही मिल गई तो मैं सीधे सीधे पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दूंगा मतलब आसान भाषा में अगर बोलूं और ढूंढता है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू और एंड ढूंढता है सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स एंड को चाहिए सारी की सारी कंडीशन ट्रू और, और को चाहिए सिर्फ कोई सी एक कंडीशन ट्रू तो यहाँ पे मुझे एक कंडीशन ट्रू दिख रही है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये मैंने रन किया और इसका आंसर आ जाएगा ट्रू हाँ लेकिन अगर तुमने ये भी गलत कर दी मान लो लिख दिया दस यहाँ पे तो अब तो तीनों की तीनों कंडीशन गलत है अब फाइनली मेरा क्या आएगा आंसर फॉल्स आ जाएगा सो दिस इज हाउ आर एक तरीके से एंड एंड और ऑपरेटर्स वर्क ठीक है तो एंड एंड और ऑपरेटर समझने के लिए एक बात बस बिल्कुल ध्यान में रख लेना सारी कंडीशन सही चाहिए अगर मैंने एंड लगाया है और लगाया तो कोई सी भी एक कंडीशन सही चाहिए अगर एंड ऑपरेटर लगाते समय कोई भी एक गलत हो गई तो मैं पूरे के पूरे आंसर को या फिर पूरे के पूरे ऑपरेशन को फॉल्स दे दूंगा लेकिन अगर और में कोई सी भी गलत हो कुछ भी गलत हो लेकिन अगर एक भी सही हो गई तो मैं ट्रू दे दूंगा नहीं तो अगर सारी ही गलत है तो मैं फॉल्स दे दूंगा तो आई होप तुम्हें एंड एंड और ऑपरेटर के बीच में डिफरेंस समझ आया हो तो जब एंड एंड और के बीच में तुम्हें डिफरेंस समझ आ गया तो एक और चीज देख लो दैट इज नॉट ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉट ऑपरेटर के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें समझ आ जाएगा ट्वेल्व इज ग्रेटर देन फाइव आंसर क्या आएगा ट्रू बिल्कुल सही है भैया बारह बड़ा होता है पाँच से मैंने लिख दिया यहाँ पे नॉट अब पता है क्या आएगा आंसर इसका आंसर आएगा फॉल्स देखो कैसे ये आया False. False क्यों आया Not operator कुछ भी नहीं करता जो भी तुम्हारा यहाँ पे आंसर आने वाला है उसको वो कन्वर्ट कर देता है उसके अपोजिट में अगर ट्रू आ रहा है तो कन्वर्ट कर देगा फॉल्स में अगर फॉल्स आ रहा है तो कन्वर्ट कर देगा ट्रू में मतलब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्रू तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा इसका फॉल्स आ जाएगा और अगर मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे फॉल्स तो अब आंसर क्या आएगा इसका ट्रू आएगा तो नॉट की कुछ नहीं करता नॉट की सिर्फ और सिर्फ जो भी अपना करंट ट्रू या बुलियन वैल्यू चल रही होती है उसको कन्वर्ट कर देता है उसके जस्ट अपोजिट में आई होप तुम्हारे को समझ आया तो जल्दी से मैं एक ट्रिविया ट्रिविया दे रहा हूं तुम्हें उस ट्रिविया को देखो नॉट ट्वेल्व इज ग्रेटर देन फिफ्टी सिक्स एंड थर्टी फोर इज ग्रेटर देन ट्वेल्व एंड नॉट सिक्सटी सेवन स्मॉलर दे चलो बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है जल्दी बताओ ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा सोचो 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 सो, सो. चलो देखो मैं समझाता हूँ कैसे तुम लोगों ने जो भी आंसर सोचा पॉज बॉस करके जो भी है तुम्हारा ट्रू या फॉल्स अब मैं बताता हूँ क्या आने वाला है ठीक है मैंने भी रन नहीं किया है सबसे पहले तो लिखा है ट्वेल्व मस्ट बी ग्रेटर देन फिफ्टी सिक्स इसका आंसर क्या आएगा इसका आएगा फॉल्स लेकिन फॉल्स के आगे क्या लिखा हुआ है नॉट लगा हुआ है तो ये कन्वर्ट कर देगा किसमें ऑल ओवर ट्रू में तो पहली कंडीशन किसमें कन्वर्ट हो गई है ट्रू में कन्वर्ट हो गई है अब देखता हूँ सेकंड कंडीशन देखो बीच में एंड ऑपरेटर्स लगे मतलब सारे के सारे मुझे क्या चाहिए ट्रू चाहिए तभी आंसर ट्रू आएगा थर्टी फोर मस्ट बी ग्रेटर देन टर्ट ट्वेल्व ये बिल्कुल सही है तो इसका आंसर क्या आएगा ट्रू चलो सेकेंड भी हो गया नाउ लास्ट फाइनल सिक्सटी सेवन इज स्मॉलर देन थर्टी फोर ये आंसर है फॉल्स लेकिन जब मेरे का आगे नॉट लगा रहता है तो इसको यह कन्वर्ट कर देगा किस में ट्रू में तो जब तीनों के तीनों मेरे ट्रू हो गए हैं तो आंसर क्या आएगा इसका ट्रू पास हो गया काम यार दैट सेट ब्रो अगर तुमने इसका आंसर ट्रू निकाल दिया तो तुम्हारे को पता है नॉट एंड और ये और वाले ऑपरेटर सारे समझ आ गए हैं चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है खैर इसको क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं अगर मैंने निकाल लिया ट्रू तो ट्रू ही आएगा यू कैन सी अपना आंसर आ रहा है ट्रू ठीक है तो चलो अपने को एंड नॉट एंड और ऑपरेटर्स भी समझ आ गए हैं और साथ साथ अपने को कंडीशनल ऑपरेटर्स भी समझ आ गए हैं। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स ठीक है तो ये दो चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं और अब अपन जो नेक्स्ट चीज करने वाले हैं दैट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट जिनको अपन बोलते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लेट्स को तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट समझने के लिए सबसे पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि डिसीजन क्या होता है तुम अगर अपनी डे टू डे लाइफ देखते हो तुम बहुत सारे डिसीजन लेते हो अपनी लाइफ में फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा बारिश का मौसम चल रहा है तुम पहले जाते हो बाहर मौसम चेक करते हो और अगर मौसम खुला हुआ है तो तुम क्या करते हो छाता छोड़ जाते हो और अगर मौसम में थोड़े बहुत भी बादल दिख रहे हैं तो तुम क्या करते हो छाता लेके जाते हो सो दिस इज अ डिसीजन यू मेक कि भाई अगर मौसम खराब है तो मैं छाता लेके जाऊंगा अगर मौसम साफ है तो मैं छाता छोड़ जाऊंगा और इसी तरीके से डे टू डे लाइफ में तुम पूरे डिसीजंस लेते हो तुम्हारे पास अगर जेब में पैसा है तो ही तुम खाना खा पाओगे अगर नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं खरीद सकते सो दीज आर दी स्मॉल जो अपनी लाइफ चलाते हैं अब होता क्या है ना अपने कोड के अंदर भी थोड़े बहुत डिसीजन की जरूरत होती है तो जब कोडिंग के अंदर अपने को डिसीजन को इंक्लूड करना पड़ता है तब अपन यूज करते हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स का ठीक है जैसे कि तुम देख सकते हो लिखा है यू टू डू

को देखना है। अगर उसकी एज अठारह साल से ऊपर है तो मैं उसको वोट देन दूंगा, और अगर उसकी एज 18 साल से नीचे है तो मैं उसको वोट नहीं देने दूंगा ठीक है तो क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से वर्क करता है, सबसे पहले सामने वाले से लेना पड़ता है अपने तो लिख दिया एज इनपुट और मैंने लिख दिया प्लीज टेल योर एज ठीक है बहुत बढ़िया कोई भी दिक्कत नहीं अब जैसी सामने वाला अपनी एज बताएगा मैं उसकी एज को जज करूंगा ठीक है अच्छा और एक चीज और एज हमेशा क्या होता है एक नंबर होता है तो हमेशा एज को अपन किस में लेंगे इनपुट इंटीजर्स में इनपुट लेंगे याद है मैंने टाइप कन्वर्शन दिखाया तो इस तरीके से अपन इनपुट ले सकते हैं एज का अब सामने वाले ने अपनी एज बता दी और अब मुझे कंडीशन पे जज करना है ठीक है तो देखो सबसे पहले तो एफ एल स्टेटमेंट समझो बनता कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इफ ठीक है एज सेड इफ स्टेटमेंट है तो इफ लिखना पड़ेगा इफ के बाद आती है एक कंडीशन और वो कंडीशन कैसी दिखती है जो अपन ने जस्ट कंडीशनल ऑपरेटर्स में देखा अब मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी एज अट्ठारह से बड़ी होनी चाहिए तो मैंने लिखा इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एटीन अट्ठारह या अठारह से बड़ी होगी तो ही मैं उसको क्या लिखूंगा प्रिंट यू कैन वोट अब एकदम से नहीं आया होगा समझ तो मैं ध्यान से देखना समझा रहा हूं इफ स्टेटमेंट को बनाने का सीधा तरीका होता है तुम्हें लिखना पड़ता है पहले अपना keyword, that is if, उसके बाद तुम्हें लिखनी पड़ती है अपनी वॉट आर इंडेंटेशन कैन यू सी जो फाइव स्पेस गैप होता है इसको मैं बोलता हूँ या फिर मैं बोल सकता हूं अपन अब अपने इफ स्कोप के अंदर आ चुके Statement के scope के अंदर मतलब अब जो भी चीजें मैं मैं इसके अंदर लिखूंगा वो सारी कब रन करेंगी अगर ट्रू हो जाए। मेरी conditions जो true और फॉल्स आ रही थी अब तो मैं समझ आएगा क्यों वो यूज आती है यहां वो यूज आती है अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं अंदर चले जाऊंगा अगर हो गई, तो इफ के अंदर मैं दिखाता हूं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैंने रन किया और सामने ने पूछा प्लीज टेल योर एज मैंने लिखा आई एम ट्वेंटी टू ईर्स ओल्ड ठीक है मैंने लिखा ट्वेंटी टू अब जैसे ही मैं ट्वेंटी टू पर एंटर दबाऊंगा तुम्हें क्या लगता है क्या आंसर आएगा देखो जैसे ही मैंने ट्वेंटी टू दवाया तो एज की वैल्यू हो चुकी है ट्वेंटी टू यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी टू मैंने देखा ट्वेंटी टू इज ग्रेटर देन एटीन बिल्कुल सही है तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई ट्रू और जैसी ये कंडीशन ट्रू हो गई मैं इस स्टेटमेंट के अंदर आया और मेरा प्रिंट क्या हो जाएगा यू कैन वोट तो इस तरीके से अपना वर्क करता है ये देखो ट्वेंटी टू एंटर और आगे यू कैन वोट चलो अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें मैं एज अपनी अट्ठारह साल से कम लिखूंगा मैंने लिख दी चौदह साल अब चौदह साल का आदमी वोट तो कर नहीं सकता तो जैसे ही मैंने चौदह लिखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे कन्वर्ट हो गया जाएगा फोर्टीन दिखता नहीं है दिखेगा तो एज ही लेकिन यहाँ पे टेक्निकली फोर्टीन आ जाएगा ठीक है क्या 14 बड़ा होता है 18 से या फिर इक्वल होता है नहीं होता तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल ये जो मैं ब्लू मार्क स्टेटमेंट है ये हो जाएगा फॉल्स में कन्वर्ट और फॉल्स स्टेटमेंट के अंदर में जा नहीं सकता तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा यहां पे ये वाली चीज प्रिंट नहीं होगी तो फिर क्या होने वाला भैया कुछ भी प्रिंट नहीं होगा ये लो एज uh, बताई मैंने 14, तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने 22 बताई थी तो आ गया था को ये चीज समझ आ अब सेकेंड एग्जाम्पल भी इसका बहुत अच्छा है भाई। देखो, मैं चाहता हूं कि अगर मेरी एज मैंने चौदह बताई है तो मेरे को एक मैसेज आए यू कैन नॉट वोट भाई तुम वोट नहीं कर सकते तो उस चीज के लिए अपने को यूज करना पड़ेगा अपनी दूसरी चीज का दैट इज इफ एल्स स्टेटमेंट का अब एल्स स्टेटमेंट क्या करता है एक बहुत आसान भाषा में बोलूंगा बहुत ध्यान से समझना ठीक है या तो मैं चलूंगा या तो तुम चलोगे दोनों साथ में नहीं चल सकते कोई ना कोई सा एक चलेगा समझना मैंने क्या बोला या तो मैं चलूंगा या तो तुम चलोगे तो इसी तरीके से इफ स्टेटमेंट बोलता है या तो भाई मैं चल जाऊंगा और अगर बाय चांस मैं नहीं चला तो तुम चल जाना तो मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट यू कैन नॉट वोट सॉरी अपन रिस्पेक्टफुली बोलेंगे सॉरी You cannot vote. इसका मतलब क्या हुआ ये वाला स्टेटमेंट सिर्फ तभी चलेगा जब मेरा स्टेटमेंट नहीं चल पाएगा ठीक है अब तुम बोल रहे हो कि भैया इसके अंदर अपन कंडीशन नहीं पास कर सकते क्या कि एज मस्ट बी स्मॉलर देन क्या कहते हैं स्मॉलर देन एटीन ऐसा ऐसा कुछ करके नहीं भाई एल्स स्टेटमेंट में कभी भी अपन कोई भी कंडीशन नहीं लिख सकते अगर तुम्हें कंडीशन लिखनी है तो कंडीशन सिर्फ एक जगह लिख सकते हो दो हज़ार माए एफ स्टेटमेंट और एल एफ स्टेटमेंट वो बाद में देखेंगे कैसे तो अभी हाल फिलहाल बस तुम ये चीज़ समझ गए एफ और एल्स स्टेटमेंट बनाते कैसे याद रखना इंडेंटेशन बनाओगे और एंटर दवाओं खुद ब खुद पाँच पे अंदर आ जाते ठीक है सो दिस इज़ अ सिंपल एफ एल स्टेटमेंट अगर मैंने इसको रन किया और लिखा दिया योर एज और मैंने फ़ोन आ रहा था कि मेरा नहीं आ रहा चलो ठीक है मैंने अपनी एज बोली सिक्सटी सेवन आ गया यू कैन वोट मैंने रन किया और मैंने अपनी एज बता दी पंद्रह साल पंद्रह साल वाला बंदा वोट नहीं कर सकता तो ना ही इफ स्टेटमेंट चलेगा और अगर इफ स्टेटमेंट नहीं चला तो सीधे कौन सा चल जाएगा अपना एल्स स्टेटमेंट क्यों क्योंकि एल्स स्टेटमेंट अपना होता है एक लास्ट ऑप्शन कि अगर उसके ऊपर कुछ भी ना चले तो एल्स स्टेटमेंट तो भैया चला ही देना मैंने एंटर किया फिफ्टीन पे और लिखा गया सॉरी यू कैन नॉट वोट तो ये बन चुका है अपना एक चलता फिरता एक लाइव क्वेश्चन या फिर लाइव प्रोग्राम जिसको तुम आराम से बना सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल इससे स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो ये हो गया भाई अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम आई होप तुम्हें आपको समझ आया होगा अब होता क्या है ना एक और चीज होती है दैट इज नोन एज एलिफ स्टेटमेंट अब एलिफ स्टेटमेंट बहुत ट्रिकी होता है और काफी लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं कि कैसे वर्क करता है तो चलो सबसे पहले ना मैं तुम्हारे को एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ ठीक है एग्जाम्पल कुछ ऐसा है मैंने बोला कि भाई मेरे को जाना है तुम्हारे साथ आइसक्रीम खाने ठीक है लेट्स से मैंने आइसक्रीम का बोला और मैंने बोला कि भाई अगर तुम्हारे को वेलीना वेनीला मिले ठीक है तो भैया है मेरे एक भैया ने बोला था कि अब तुम जब आइसक्रीम लेने जा ही रहे हो तो मेरे लिए कुछ लेके आना तो मैंने बोला ठीक है भैया क्या लेके आऊँ तो उन्होंने बोला भाई एक काम करना है एक आइसक्रीम लेके आना मैंने बोला ठीक है भैया क्या फ्लेवर लेके आऊँ उन्होंने बोला या तो पिस्ता मिले पिस्ता सबसे ज़्यादा ऑप्शन है अगर पिस्ता मिले तो पिस्ता ले आना अगर पिस्ता ना मिले तो वेनीला ले आना और अगर वेनीला भी ना मिले तो कुछ भी मत लेके आना देखना यहाँ पे उन्होंने मेरे को थ्री सेट्स ऑफ कंडीशन दी पहली कंडीशन उन्होंने दी कि भाई अगर तुम्हारे को पिस्ता मिल रहा है तो तुम भाई पिस्ता लेके आ जाना मेरे लिए सेकंड कंडीशन दी अगर तुम्हारे को वनीला मिल रही है तो वनीला लेके आ जाना और थर्ड सेट ऑफ कंडीशन दी कि भाई फिर कुछ भी मत लाना तो इस चीज के लिए सबसे पहले तो मेरे को यूजर जो भी अपना वो है दुकानदार उससे पूछना पड़ेगा तो मैं लिख दूंगा आइटम ठीक है आइटम इक्वल्स टू इनपुट और मैंने लिख दिया व्हिच आइसक्रीम डू यू हैव ठीक है अब लेट्स से ऐसे वैसे क्वेश्चंस आते नहीं है बट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बस ये पेश कर रहा हूँ तुम्हारे सामने अब सामने वाला यूजर देगा या तो भाई वेनिला या फिर पिस्ता या फिर कोई सी और आइसक्रीम दे देगा ठीक है तो मेरे को स्पेसिफिकली सबसे पहले भैया ने बोला था भाई पिस्ता मिले तो लेके आना तो मैंने लिख दिया इफ आइटम इज इक्वल टू इक्वल टू पी आई एस टी ए पिस्ता ठीक है अगर आइटम पिस्ता है तो क्या करना प्रिंट प्लीज पैक पी आई एस टी ए पिस्ता आइसक्रीम ठीक है अब सामने वाले यूजर ने बोला कि चलो भैया पिस्ता नहीं है तो दूसरा आइटम भी हो सकता है अब मेरे को अगर एक और कंडीशन पास करनी है तो मैं दूसरी कंडीशन कैसे पास कर सकता हूं

तो मैंने यहां पे लिख दिया प्रिंट और लिख दिया प्लीज पैक वेनिला ठीक है और फाइनली अगर दोनों ही ना मिले तो कुछ भी मत लेके आना अगर पिस्ता नहीं है और वेनिला नहीं है तो कुछ भी मत लेके आओ तो तुम क्या लिखोगे एल्स प्रिंट डोंट पैक एनी थिंग ठीक है तो यहां पे इन ऑल केस कैसा चला मैंने हाँ पे सामने वाले यूजर सबसे पहले पूछा कि भाई तुम्हारे पास कौन सी आइसक्रीम है यूजर बताएगा यूजर ने बोला अगर पिस्ता है मेरे पास तो अगर आइटम इज इक्वल तो मैं लिख दूंगा प्लीज पैक पिस्ता अगर सामने वाले ने बोला कि भाई पिस्ता नहीं है वेनीला है तो मैं सेकंड वाला स्टेटमेंट रन कर दूंगा अगर उसने बोल दिया चॉकलेट या कोई भी चीज तो मैं बोल दूंगा भाई डोंट पैक एनीथिंग ठीक है सो दीज वर माई इंस्ट्रक्शन और इस तरीके से अपन एलिफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं अपने कोड में उसको रन करके देखता हूं मैं इसक्रीम डू यू हैव सामने वाले ने बोला पी आई एस टी ए पिस्ता पिस्ता वाला ठीक है मैंने इसको एंटर दबाया तो क्या आ गया प्लीज पैक पिस्ता अच्छा प्लीज पैक पिस्ता आया तो भैया प्लीज पैक वेनिला क्यों नहीं आया क्योंकि भाई देखो अपना जो इफ एल एफ और एल्स स्टेटमेंट होता है ना वो किस तरीके से वर्क करता है समझो इसका मतलब या तो सबसे पहला स्टेटमेंट चल जाएगा इफ स्टेटमेंट और अगर पहला वाला रन हो गया तो नीचे वालों को वो चेक ही नहीं करेगा ठीक है अगर गलती से पहला वाला नहीं चला तो मैं चलाऊंगा दूसरा वाला अगर गलती से दूसरा वाला भी नहीं चला तो मैं फाइनली किसको चला दूंगा लास्ट एल्स स्टेटमेंट को ठीक है सो दिस इज हाउ यू यूज इफ एल्स इफ एल एफ और एल्स स्टेटमेंट अब पता है इन इफ और एल्फ एल्स की लैडर भी बनती है देखो यहाँ पे लिखा होगा

बस हो गया, काम हो गया यार अपना इसमें इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं तुम लोगों को एक सिंपल इफ स्टेटमेंट फिर एलिफ़ स्टेटमेंट एक और एल स्टेटमेंट और एक और एल स्टेटमेंट सो दिस इज हाउ यू मेक योर प्रोग्राम मतलब अगर मैंने इसको रन कर दिया तो विच आइसक्रीम डू यू वॉन्ट सी एच ओ सी ए एल ए टी ई

स्टेटमेंट पे ऑब्वियसली तुम और एंड एंड नॉट ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो कैसे ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो तुम्हें पता है तुम्हें समझ आने लग गया होगा एफ ए क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ ट्वेल्व इज ग्रेटर देन टेन एंड थर्टी फोर इज ग्रेटर 78 सेवेंटी एट प्रिंट हेलो और यहाँ पे मैंने लिख दिया एल्स प्रिंट नॉट हेलो ठीक है जल्दी बताओ क्या प्रिंट होने वाला है जल्दी 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 सोचो जल्दी बताओ ट्रिप भी आई एक तरीके से ऑब्वियसली अपना प्रिंट होगा नॉट हेलो पूछो क्यों मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड ऑपरेटर यही सेम कंडीशनिंग जैसे देता था वैसी कंडीशनिंग दी है बस बीच में एंड ऑपरेटर का यूज कर दिया ठीक है तो एंड का मतलब दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तो इज ग्रेटर देन पहली कंडीशन तो ट्रू है लेकिन क्या सेकंड कंडीशन ट्रू है थर्टी फोर इज नॉट ग्रेटर देन सेवेंटी एट तो दूसरी कंडीशन क्या हो गई मेरी गलत हो गई तो अगर दूसरी कंडीशन गलत हुई है तो प्रिंट हेलो नहीं होगा क्या प्रिंट हो जाएगा एल्स स्टेटमेंट चल के नॉट हेलो प्रिंट होगा मैंने रन किया और देखो क्या प्रिंट हो गया नॉट हेलो दैट्स इट हो गया काम इस तरीके से अपना इफ एल स्टेटमेंट वर्क करता है ठीक है और इफ इफ़ेल्स में और एंड और नॉट ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हो और और एंड और नॉट ऑपरेटर अगर एकदम से याद नहीं आ रहे रिकॉल नहीं कर रहे तो प्रीवियस जल्दी से जल्दी से थोड़ा रिवाइंड करो तो मेरे टाइम टाइम शायद से नीचे दिख जाएगा कमेंट्स में फिर हम खुद ही डाल देंगे और उसमें तुम देख सकते हो चलो और इन नॉट इन की वर्ड्स में बाद में बताऊंगा जब अपन स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे अभी हाल फिलहाल बस ये सारी चीज़ें समझ लो तुम्हारा कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट खत्म हो चुका है लेट्स गो और नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं और जो नेक्स्ट चीज़ होने वाली है वो तो और ही ज़्यादा खतरनाक ज़्यादा टफ और वहाँ से अपना मेन कोडिंग पार्ट शुरू होगा दैट इज़ इटरेटिव स्टेटमेंट्स ठीक है और कोशिश करूंगा मैं कि ये क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊँ क्योंकि अगर बिना क्वेश्चन के तुम्हारे को ये सब अच्छे से नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगी तब तक कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा चलो मैं मूव करते हैं अपन इटरेटिव स्टेटमेंट्स पे लेट्स गो तो चलो भाई लास्ट चीज अपन निपटाते हैं इस पूरे वीडियो की दैट इज इटरेटिव स्टेटमेंट्स या फिर लूप्स और जब ये वीडियो जाएगी ना तो आखिरी में तुम्हारे को कुछ थोड़े बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो अपन कर सकते हैं बट स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले कि लूप होता क्या है तो आई थिंक तुम लोगों को पता होगा इटरेटिव स्टेटमेंट या लूप्स का मतलब क्या होता है हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि मुझे किसी चीज़ को बार 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 रिपीट करना रहता है तो उस चीज़ के लिए अपन लूप्स का यूज कर सकते हैं मतलब डूइंग अ वर्क अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड लूप्स तो अपने प्रोग्रामिंग में ऐसा भैया क्या होता है कि भाई मेरे को लूप्स प्रिंट करना रहता है चलो ठीक है मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया प्रिंट नंबर फ्रॉम वन टू टेन क्या लिखा मैंने मैंने बोला ना एक से लेकर दस तक नंबर प्रिंट करो तुम बोलोगे अरे यार भैया ये तो बहुत ही आसान टास्क है मैंने लिखा लो प्रिंट वन फिर मैंने लिखा प्रिंट टू और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इससे तुम्हारे को दिख भी जाएगा और फिर ऐसे ही करके भैया मैं ये कॉपी करूंगा ये पेस्ट 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 पेस्ट, पेस्ट टू के बाद यहाँ पे लिख दिया मैंने थ्री फिर मैंने लिख दिया फोर मैंने लिख दिया फाइव मैंने लिख दिया सिक्स और ये मैंने बहुत लंबा तरीके से मैंने एक से लेके दस तक लिख दिया सही है कि तरीका भैया देखो प्रिंट तो हो गया एक से लेके दस तक चलो ठीक है मैंने बोला था एक से लेके दस तक तुमने कर दिया इस तरीके से मैंने बोला एक से लेके एक हजार तक करो तो, क्योंकि हजार बार तुम प्रिंट स्टेटमेंट्स का यूज करोगे या फिर मैंने बोला चलो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो बीस बार तो क्या बीस बार हेलो वर्ल्ड लिखोगे प्रिंट, प्रिंट 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 समझ रहे हो क्या यूज होता है तो किसी भी प्रोसेस को बार 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 रिपीट जब करना रहता है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग में तब मैं यूज करता हूँ अपने लूप्स का ठीक है तो इस सब चीजों को तो हटाते हैं और अपन स्टार्ट करते हैं कि कैसे किसी एक लूप को यूज किया जाता है ठीक है तो लूप्स के अंदर मेनली अपने को तीन चीजें पढ़नी है सबसे पहले होता है एक रेंज फंक्शन एक होता है फॉर एंड वाइल लूप और एक होता है ब्रेक एंड कंटिन्यू ठीक है तो रेंज फंक्शन को अभी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा लेकिन उससे पहले तुम्हें तो समझना पड़ेगा क्या होता है फॉर लूप और क्या होता है वाइल्ड लूप ठीक है तो उस चीज के लिए मैंने तुम्हारे लिए एक वीडियो बना के रखी है जल्दी से उस वीडियो को देखो फॉर एंड वाइल लूप की और फिर अपन बात करते हैं रेंज फंक्शन पे लेट्स को ठीक है तो चलो भाई अब समझते हैं फॉर और वाइल्ड लूप के बीच में डिफरेंस क्या होता है सबसे पहले तुम्हें तो समझना पड़ेगा दोनों की डेफिनेशन क्या होती है काउंटर या फिर मैं बोल सकता हूँ एक रेंज फंक्शन या फिर मैं बोल सकता हूँ किसी नंबर पे वर्क करता है फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम दस बार करना है तो उसके लिए मैं फॉल लूप चलाऊंगा कोई काम मुझे बीस बार करना है उसके लिए मेरे को फॉर लूप चलाना पड़ेगा वही अगर मैं वाइल्ड लूप को समझू तो वाइल्ड लूप ऑलवेज वर्क ऑन अ कंडीशन

ठीक है मग्गा इस तरीके से दिखाऊंगा मैं ऑब्वियसली अब हुआ क्या ना मैंने सबसे पहली कंडीशन दी कि भाई तुम इसमें से पांच डाल दो इस वाली बाल्टी के अंदर कितने फाइव ठीक है तो तुमने डाला एक तुमने डाला दो तीन चार ठीक है यहाँ यहां तक कुछ पानी भर गया और यहाँ पे कुछ इतना पानी आ गया तो ये जो पांच काउंटर दिया था मैंने और अगर तुम्हें ये पांच बार लगातार एक ही चीज करनी तो इसके लिए तुम क्या यूज करोगे फॉर लूप का यूज करोगे लेकिन वहीं पे अगर मैं कुछ इस तरीके से बोलता कि भाई इसके अंदर जब तक पानी भरते रहो जब तक इसका पूरा पानी खाली ना हो जाए तो यहाँ पे मैंने क्या बोले कंडीशन दी कि इसमें जब तक पानी भर दो कि जब तक इसका पूरा खाली ना हो जाए तो जब भी मैं किसी कंडीशन के बेसिस पे वर्क करता हूं टी आई यू एन सॉरी कंडीशन पे तो मैं लगाता हूं वाइल्ड लूप ठीक है तो इसी तरीके से अपन अगर बात करें अपने प्रोग्रामिंग की तो प्रोग्रामिंग में भी अपने को बहुत सारी ऐसी जगहें आएंगी जहां पे मुझे किसी कंडीशन के बेसिस पे लूप लगाना है और काफी जगहें आएंगी जिसमें अपने को किसी ऑब्वियसली एक नंबर के बेसिस पे लूप लगाना है तो जब भी इनका यूज करेंगे तो समझोगे और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसके बाद अपनी दैट इज फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग उसमें तुम्हारे को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे और काफी सारी चीजें सॉल्व होंगी ठीक है तो अभी तो आओ स्क्रीन पे चलते हैं और थोड़ी बहुत चीजें देखते हैं फिर उसके बाद देखा जाएगा लेट्स गो तो ठीक है अगर तुमने वो वाली वीडियो देख ली तो तुम्हें समझ आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है फॉर फॉर लूप इज नंबर्स या फिर अपन बोल सकते हैं मेरे को कोई एक सर्टेन लिमिट रखिए कि आपको यहां से लेके बीस तक, ले तक का एक से लेके तीस लाख तक का और वाइल जो है वाइल इज फॉर कंडीशनिंग पर्पज मतलब मैंने कंडीशन दे दी कि जब तक ये काम ना हो जाए तब तक तो उस लूप को चलाते जाना जैसे बाल्टी वाला एग्जाम्पल था जब तक साला ये वाली बाल्टी खत्म ना हो जाए तब तक उसमें पानी डालते जाना

फिर मेरे को देखना है कि किसके अंदर इसको बकरा बनाना है एक तरीके से कहां पे यूज करना है तो अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहली चीज आपको समझाने से दैट इज रेंज फंक्शन ठीक है ना मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा रेंज अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं ध्यान से देखना उस चीज को अभी कोई उसमें वो मत करना कि मैंने क्या लिखा वन कॉमा ट्वेंटी कॉमा वन ठीक है अभी तुम बोलेगा भाई ये सब क्या लिखा है आपने आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग और मैंने कर दिया प्रिंट आई सिर्फ अभी बस देखो मैंने इसको रन किया और यहाँ पे देखो क्या हुआ एक से लेके बीस तक नंबर प्रिंट होगा एक से लेके उन्नीस तक बीस तक भी नहीं उन्नीस तक प्रिंट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग ठीक है तो ये जो चीज हुई मैंने तो भैया ऐसा कुछ प्रिंट करने को बोला नहीं था तो मैंने तो सिर्फ एक स्टेटमेंट लगाया प्रिंट आई इतने सारे प्रिंट बीस बार चीजें कैसे प्रिंट हो गई वन से लेके उन्नीस तक यहाँ पे अब मैं यूज कर रहा हूँ एक रेंज फंक्शन का और एक फॉर लूप का ना व्हाट इज अ रेंज फंक्शन अभी इसको भूल जाओ और सबसे पहले समझते हैं रेंज फंक्शन होता क्या है रेंज फंक्शन फंक्शन एक तरीके का होता है जिसके अंदर मैं एक मतलब एक लिमिट लिमिट सेट करता मतलब स्टार्ट पॉइंट सेट करता हूँ एक एंड पॉइंट सेट करता हूं और अपने स्टेप स्टेप step करता हूँ मतलब अगर मैं आसान भाषा में बोलू जल्दी से मैं एपिक पेन खोल लेता हूँ और अच्छे से समझ आएगा खुल जा खुल जाओ खुल जा खुल जा हाँ खुल गया एपिक पेन में अगर मैं समझाऊं तो तुम्हारे को ये चीज समझ आनी चाहिए कि जब भी मैं रेंज फंक्शन की बात करता हूँ देयर आर थ्री एस क्या होते हैं थ्री एस 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 एंड एस और ये इनसाइड होते हैं किसके रेंज फंक्शन के ठीक है पहला जो स्टेप एस होता है दैट इज फॉर स्टार्ट पॉइंट कि कहां से आपको अपने नंबर्स को स्टार्ट करना है ठीक है दूसरा एस होता है दैट इज फॉर स्टॉप पॉइंट कि कहाँ पे आपको अपनी रेंज फंक्शन को स्टॉप करना है और फाइनली जो तो तीसरा एस होता है दैट इज फॉर स्टेप्स कि मतलब मेरे को किस स्टेप से जाना है प्लस तो टू करना, करना है हर बार प्लस करना 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 है करना है करना है माइनस माइनस किस तरीके से तुम्हारे को अपनी रेंज सेट करनी है तो ये तीन चीजों से बन मिलकर बनता है रेंज फंक्शन तो अब अगर मैंने रेंज फंक्शन का स्टार्ट स्टॉप स्टेप मैंशन करना है तो मैंने तुम्हारे को पहला क्वेश्चन क्या दिया था एक से लेके बीस तक प्रिंट करो है ना तुमने बोला भाई मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन से मैं जा रहा हूँ बीस तक स्टार्ट करा वन से कॉमा लगाया मैंने अपना स्टॉप पॉइंट सेट करा ट्वेंटी पे और फिर मैंने स्टेप पॉइंट सेट किया वन पे अब यहाँ पे एक चीज समझो अगर मैं स्टेप लिखूँ या ना लिखूं कोई भी फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो ये हो गई मेरी रेंज सेटअप और अगर मैंने इसको कहीं पे सेव कर दिया फॉर एग्जाम्पल मैंने ए के अंदर अपनी रेंज को सेव सेव कर दिया अगर मैं प्रिंट करूंगा ना ए देखो क्या आने वाला है यहाँ पे आया एक रेंज सेटअप है 1 से लेके 20 तक की मैंने उसको प्रिंट करके रखा और हमेशा कोड में ना करके रन पाइथन फाइल करेंगे तो अच्छा रहता है ठीक है ये देखो सही है तो इस तरीके से अपन को समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से एक रेंज सेटअप करता हूँ अब इस रेंज को मैं फॉर लूप में कैसे यूज करूँ तो मैं कुछ भी नहीं करना है इस फॉर लूप में यूज करना है इस रेंज को तो कुछ नहीं लिखना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा फॉर आई इन फॉर आई इन तो अपना वो रहता है बेसिक, बेसिक सेंटेंस जिसको हमेशा लिखना ही पड़ता है फॉर लूप बनाने के लिए आई की जगह तुम तो और कुछ भी यूज कर सकते हो जे भी यूज कर सकते हो के भी यूज कर सकते हो कुछ भी यूज कर सकते हो बिकॉज इट इज जस्ट अ वेरिएबल वेरिएबल नाम कुछ भी हो सकता है मैंने लिखा फॉर आई इन और अब मैं कर दूंगा ए तो ए के अंदर क्या सेफ था ए के अंदर मेरी पूरी रेंज सेफ थी और अब अगर मैं प्रिंट करूंगा i को तो अब i क्या करेगा एक एक करके हर एक नंबर को पकड़ता जाएगा सबसे पहले i पकड़ेगा वन को ठीक है वन को पकड़ा और उसने प्रिंट कर दिया मान के चलो मैंने लूप चलाया तो जैसी मैं थर्ड लाइन पे गया तो पाइथन पता है किस तरीके से देखता अपनी थर्ड लाइन को पाइथन बोलेगा कि भाई थर्ड लाइन पे लिखा है फॉर लूप और फॉर लूप है i से i से इटरेशन हो रहा है और किसके अंदर हो रहा है a के अंदर a के अंदर है रेंज वन से लेकर ट्वेंटी तक की मतलब अपना फॉर लूप आई के अंदर सबसे पहले वैल्यू देगा वन की ठीक है वन की वैल्यू दी अंदर गया प्रिंट कर दिया वन और फिर अब पता है क्या होगा जब तक मैं रेंज के बाहर नहीं चला जाता तब तक मेरी रेंज खत्म नहीं होगी और मैं वापस से ऊपर जाऊंगा ठीक है वापस से मैं ऊपर गया तो मैं थोड़ा रेंज में क्या होगा मेरा स्टेप्स देखूंगा स्टेप्स कितना है प्लस वन का तो वन प्लस वन कितना होता है टू फिर मैं करूंगा टू को प्रिंट ठीक है फिर मैं अंदर गया फिर अंदर गया और मैंने टू प्रिंट कर दिया फिर मैं वापस गया क्यों क्योंकि अभी भी मैं रेंज से बाहर नहीं हूँ ऐसी ही मैं थ्री लूंगा मैं फोर लूंगा मैं फाइव लूंगा मैं सिक्स लूंगा और ऐसे करके मैं जैसे ही नाइनटीन तक चले जाऊंगा लास्ट वाला नाइनटीन में प्रिंट करूंगा वापस से ऊपर जाऊंगा और मैंने प्लस वन किया और मैं कहाँ पहुंच गया ट्वेंटी पे मैंने ध्यान से देखा यार ट्वेंटी मेरी लिमिट थी तो वहीं पे मैं क्या कर दूंगा अपने स्टेटमेंट को ब्रेक कर दूंगा तो इसका मतलब फॉर लूप कैसे वर्क करता है बार 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 अपने रेंज फंक्शन के अंदर जाता आता है जाता आता है, जाता जाता है और जैसे ही मैं अपने पूरा जो रेंज फंक्शन की एक लिमिट सेट करी थी उससे बाहर निकल गया अपनी रेंज से बाहर निकल गया और वही पे मेरा लूप क्या हो जाएगा करता है अब इसको इस तरीके से ना लिख के क्यों नहीं लिखना है ऐसे क्योंकि भाई फालतूपन को एक नया वेरिएबल का इस्तेमाल करें उससे अच्छा सीधे आई की जगह लिख दो यही पे ए की जगह रेंज ऑफ वन कॉमा ट्वेंटी कोमा वन तो अगर मैं आसान भाषा में तुम्हें समझाऊं आसान भाषा में ये चलता कैसे है सीधे बात एक रेंज लिखेंगे और रेंज कहां तक चलेगी ट्वेंटी माइनस वन तक मतलब जो अपना स्टॉप पॉइंट होता है ना स्टॉप पॉइंट से तुम तो एक माइनस वन करोगे वहां तक तुम्हारी रेंज चलेगी क्यों देखो यहाँ पे मैंने ट्वेंटी लिख के रखा है ट्वेंटी माइनस कितना होता है नाइनटीन और देखो नाइनटीन तक चल गया अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो थर्टी तो कहां तक चलेगा थर्टी थ्री तक चलेगा ये देखो मैंने रन किया और कहाँ तक आया थर्टी थ्री तक आया सो दिस दिस इज इज हाउ हाउ अ फॉर लूप वर्क्स वर्क्स और एन आई तो अब अगर तुमसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि चलो भाई तुम्हारे को अगर इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तुमने एफ एल समझ लिए तो क्या तुम प्रिंट कर सकते हो एक से लेकर दस तक तुम बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हैं लो मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज ऑफ मेरे को एक से लेकर दस तक प्रिंट करना है मैं स्टार्ट कर दूंगा वन से मैं जाऊंगा कहां तक इलेवन तक क्यों क्योंकि अगर मैंने टेन लिख दिया तो कहां तक जाऊंगा नाइन तक जाऊंगा तो इलेवन लिखूंगा तो टेन तक ठीक है स्टेप्स लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे का वैसे ही काम करेगा और मैं कर दूंगा प्रिंट

अगर मुझे को टेबल प्रिंट करनी है मान लो सात की तो कर सकते हो ठीक हाँ, है सेवन की टेबल सेवन से स्टार्ट होती है होती है कि नहीं होती है जाति कहाँ तक है सेवेंटी वन तक क्योंकि अगर मैंने सेवेंटी लिखा तो सिक्सटी नाइन तक चलेगा तो सेवेंटी वन लिखूंगा तो सेवेंटी तक चल जाएगा मेरा लूप ठीक है अगर मैंने अभी रन कर दिया तो सात से लेकर कहां तक प्रिंट हो जाएगा सत्तर तक प्रिंट हो जाएगा लेकिन ऐसे प्रिंट नहीं करना था मुझे क्या करना था सात की टेबल तो सात की टेबल में हमेशा हर एक नंबर के बीच में कितना कितना गैप होता है सेवन का गैप होता है और जैसे मैंने अब रन किया

So, चीज़, बताऊ कैसे कर सको तुम्हें तो बोल दिया किसी ने कि भाई जल्दी से सारे के सारे ईवन नंबर प्रिंट कर दो एक से लेके बीस के बीच में ठीक है इवन नंबर प्रिंट करने एक से लेके बीस के बीच में तो सबसे पहला जो इवन नंबर होता है वो होता है टू ठीक है और ट्वेंटी के बीच में करना है तो मेरे को पता है ट्वेंटी वन तक जाना पड़ेगा एक नंबर आगे तक और हर बार मेरे को दो दो का स्टेप लेना पड़ेगा तो अगर मैंने दो दो का स्टेप लिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा दो होगा फिर चार फिर छठ फिर, फिर दस फिर बारह यही होते हैं ना सारे अपने इवन सो दिस इज हाउ फॉर लूप एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें थोड़ा स्टेप्स को और थोड़ा और दिमाग लगाना चाहूंगा मैं लेट्स से तुमने एक रेंज स्टार्ट करी फिफ्टी से स्टार्ट पॉइंट तुमने फिफ्टी रख दिया और तुमने एंड पॉइंट रख दिया टेन 10 की जगह या फिर मान लो तुमने रख दिया जीरो। अब क्या होने वाला है? तो इसमें कुछ होगा कि 50 से 0 तक चला जाएगा? जाना तो चाहिए लेकिन ऐसे वर्क नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करता क्योंकि अगर मैंने स्टेप्स डिफाइन नहीं करी है देखो कुछ भी नहीं हो रहा हो रहा है क्या कुछ भी क्योंकि स्टेप्स डिफाइन नहीं करे ना तो ऑटोमेटिक मेरा पाइथन क्या लेता है यहाँ पे कॉमा वन एक एक ज्यादा स्टेप लेगा तो अब अगर फिफ्टी सबसे पहले मैं आई को प्रिंट करना चाहूंगा तो फिफ्टी प्लस वन कितना होता है फिफ्टी वन और अगर मैं फिफ्टी वन देखूंगा मैं तो यार अपनी रेंज से बाहर हो गया हूं तो जब भी अपने को कभी रिवर्स लूप चलाना है फिर उल्टा लूप चलाना है तो उसके लिए तुम्हारे को स्पेसिफाई करना पड़ेगा माइनस वन क्यों क्योंकि फिफ्टी माइनस वन होगा फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन माइनस वन होगा फोर्टी एट और इस तरीके से आई के अंदर उल्टी सारी वैल्यूज आती जाएंगी तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये देखो ये पूरा रिवर्स में प्रिंट हो गया अपना सो दिस इज हाउ आर रेंज फंक्शन वर्क और उसका यूज करके अपन इसमें फॉर लूप में यूज़ करते हैं ठीक है अब होता है क्या है ना ये मैंने समझा तो तो यह तुम्हें कि फॉर लूप कैसे वर्क करता है फिर क्या क्या इसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं बट बस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे को अभी पूरी चीज़ें समझ नहीं आई है क्योंकि जगह जब तक अपन क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना तब तक नहीं आएगा सो दैट्स वाई जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है दैट इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चंस जिससे तुम ये इसी के क्वेश्चन बार 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 जब देखोगे तभी तुम्हारे को चीज़ें समझ आएंगी ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं

इज ग्रेटर देन ए या फिर मैं ऐसे लिख दूंगा ए इज स्मॉलर देन टेन तो क्या होने वाला है भैया ट्रू प्रिंट होगा क्यों क्योंकि देखो जीरो इज ग्रेट स्मॉलर देन टेन ऑब्वियसली मुझे क्लियर कट दिख रहा है तो हमेशा क्या प्रिंट होना चाहिए ट्रू प्रिंट होगा चलो लो भैया ट्रू लिख दिया ट्रू लिख दिया ट्रू लिख दिया अब अगर मैंने इस कंडीशन को वाइल लूप के अंदर डालना आप नहीं बोला था भैया हमेशा कंडीशन के बेसिस पे लूप वर्क करता है बिल्कुल करता है तो क्यों ना मैं एक ऐसा लूप बनाऊं जिसमें मैं लिखूंगा सबसे पहले वाइल लूप बनाने के लिए मुझे एक वाइल लिखना पड़ता है और उसके आगे ये वाली एक कंडीशन लगा दू मैंने कंडीशन लगा दी ए इज स्मॉलर देन टेन तो लो भैया ये कंडीशन हो गई ट्रू और मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ए ठीक है अब क्या होने वाला है देखो अब मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट बात बताऊं दिस इज एन इनफाइनाइट लूप इनफाइनाइट लूप मैं इसको क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अगर मेरी वाइल की कंडीशन हो गई एक बार ट्रू एक बार अगर ट्रू हो गई तो मैं वाइल के अंदर चले जाऊंगा और अब ये लूप चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा जब तक इस कंडीशन को मैं क्या ना कर दूं फॉल्स तो जब भी मेरे को अपने वाइल लूप को रोकना है रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा इसकी कंडीशन को फॉल्स करना पड़ेगा अगर ट्रू रही तो तो ये लूप चलता ही जाएगा तो चेक बा बताओ फर्स्ट टाइम मैंने देखा ए इज ग्रेटर देन ए इज स्मॉलर देन टेन जीरो स्मॉलर देन टेन ये ट्रू हो गई तो क्या हो जाएगा प्रिंट ये हो जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा जीरो फिर मैं वापस जाऊंगा और मैं देखूंगा क्या अभी भी मेरी कंडीशन ट्रू है हाँ भाई अभी भी कंडीशन ट्रू है फिर जीरो हो जाएगा। अभी भी ट्रू है ट्रू है ट्रू है ट्रू है ट्रू अब जब मेरी कंडीशन ही ट्रू है तो मैं तो हमेशा जीरो प्रिंट करते जाऊंगा तो भैया इसको रोकेंगे कैसे पहले मैं दिखा देता हूँ ये देखो मैंने रन किया और तुम देख रहे हो अभी मैं यहाँ पे सी टी आयरन सी दबा रहा हूँ जिससे मैं अपना कीबोर्ड इंटरप्ट करता हूँ और ये देखो ये देख लो कर्सर ऊपर जाता जा रहा है और इतने सारे जीरो प्रिंट हो चुके हैं तो भैया ये तो यार बड़ी दिक्कत की बात है यार ऐसे में किसी कंडीशन को ट्रू कर तो उसको फॉल्स फॉल्स कैसे करूं? तुम बिल्कुल कर सकते हो तुम रीअसाइन कर दो वैल्यूज को अब वैल्यून कैसे करते हैं की वैल्यू जीरो थी मैंने प्रिंट किया और मैंने लिख दिया अब होने क्या वाला है ए की वैल्यू जीरो चल रही है और ए की वैल्यू में अगर मैंने वन इंक्रीज कर दिया तो कितना हो जाएगा वन फिर वन जब इंक्रीज हो जाएगा देखो अब मैं थोड़ा सा तुम्हारे को डीबगिंग करवा रहा बहुत ध्यान से देखना इज इक्वल टू जीरो था ठीक है यहाँ पे मैंने कंडीशन पढ़ी जीरो इज लेस देन टेन अंदर गया मैं मैंने कर दिया प्रिंट ए तो ये चीज प्रिंट होगी होगा ये वाली चीज प्रिंट फिर मैं नीचे गया तो मैंने देखा ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन ए की वैल्यू जीरो चल रही थी ए इज इक्वल टू जीरो प्लस वन दैट इज वन तो अब ए की नई वैल्यू क्या हो चुकी है वन फिर मैं जाऊंगा वापस से ऊपर ठीक है अब मैं देखूंगा ए इज स्मॉलर देन टेन तो इस बार जीरो की जगह अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है वन हो चुकी है सो यस वन इज स्मॉलर देन टेन ठीक है फिर मैं अंदर गया फिर मैंने प्रिंट ए किया तो हैश टैग ए की वैल्यू मैंने वन कर दी तो वन प्रिंट हो गया और यहाँ पे हो गया ए इज इक्वल्स टू ए प्लस वन तो वन प्लस वन अब कितना हो जाएगा ए की वैल्यू टू हो गई है फिर मैं ऊपर गया और इसी तरीके से बार 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 करता गया जैसे ही मेरी वैल्यू होगी ए की टेन जैसे ही मैं लास्ट वाली वैल्यू होगी एक ही टेन और मैं ऊपर जाऊंगा लूप पर मैं देखूंगा इज स्मॉलर देन और ये वाली हो जाएगी गलत कंडीशन मेरी और मेरा वाइल्ड लूप जाएगा? जाएगा. So तुम्हारे को जो ऊपर कंडीशन है उसको फॉल्स करना पड़ता है अब कैसे करेंगे उसको फॉल्स इसी तरीके से जैसे मैंने तुम्हें दिखाया अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो जीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा फाइव होगा सिक्स होगा सेवन होगा एट होगा और नाइन होगा और जैसे ही वापस से लास्ट में मैं इसको प्लस करके टेन कर दूंगा तो टेन इज नॉट स्मॉलर देन टेन और ये वाली मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वाइल्ड लूप के लिए कंडीशन बनाओ और उसको जैसे ही फॉल्स कर दोगे तुरंत अपना काम हो जाएगा सो दिस इज हाउ यू यूज अ वाइल्ड लूप आई होप तुम्हारा कोई वाली चीज समझ आई हो ठीक है तो अपने को समझ आ गया व्हाट इज़ अ फॉर लूप एंड व्हाट इज़ अ वाइल्ड लूप देखो समझने की बात तो ऐसी है कि तुम लोगों को समझ दिक्कत तो रहा होगा कि कैसे कंडीशन को यूज़ करते हैं क्या होता है बट ऑब्वियसली जब तक तुम इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं हो पाएगा सो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है जल्द ही आ जाएगी अगले एक हफ्ते के अंदर और उसको जल्दी से तुम्हें को पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी तभी हो सकता है ठीक है तो फॉर एंड माइल्ड लूप हो गया अब नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू नाउ व्हाट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है लेट uh, से मैंने एक लूप बनाया है और उसको मैं बीच से तोड़ना चाहता हूँ या फिर जो चलता जा रहा है मैं उसको बीच में रोकना चाहता हूँ फिर क्या कर सकता हूँ वहां पर मैं यूज करता हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का किसका यूज कर सकता हूँ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स का तो चलो देखते हैं कैसे वर्क करता है लेट से मैंने एक लूप बनाया फॉर आई इन रेंज ऑफ वन से लेके ट्वेंटी तक ठीक है और ट्वेंटी की जगह मैं ट्वेंटी वन लिख रहा हूं और मैं यहां पे लिख रहा हूँ प्रिंट आई ये चीज मैं देख चुका हूं क्या होगा इसमें प्रिंट एक से लेके बीस तक प्रिंट हो जाएगा ये देखो हो गया एक से लेके बीस तक प्रिंट बढ़िया एक नंबर बराबर अब हुआ क्या ना मैंने बोला कि यार भाई ये लूप थोड़ा बड़ा बन गया मैं इसको बीच में ब्रेक करना चाह रहा हूँ या फिर मैं इसको बीच में रोकना चाह रहा हूँ अब भाई किसी लूप को अपन ऐसे खुद से हाथ से तो रोक नहीं सकते तो रोकने के लिए अपने को बीच में एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा देखो कैसे करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज मेरे को मैंने बोला जैसे ही मेरी वैल्यू आई की टेन हो जाएगी उसी वक्त मेरा लूप क्या कर देना ब्रेक कर देना ठीक है भाई आपने ऐसा बोला और हम कर देंगे मैंने यहाँ पे आखिरी में चेक करा इफ आई इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू टेन जैसी मेरी आई की वैल्यू टेन होगी आप मेरे लूप को कर देना ब्रेक अब ये जो ब्रेक लिखा है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और जहां तुम्हें ये दिखे इसका मतलब जो भी लूप के अंडर लिखा हुआ ये ब्रेक स्टेटमेंट ये वही के वही रुक जाएगा ठीक है तो अब जैसी मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया और मैंने रन किया तो देखो एक से लेकर दस तक प्रिंट हुआ और मेरा क्या हो गया लूप ब्रेक हो गया ग्यारह भी जा सकता था बारह भी जा सकता था लेकिन नहीं जा पाया क्यों क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था ब्रेक स्टेटमेंट सो दिस इज हाउ यू यूज अ ब्रेक स्टेटमेंट आई होप तुम्हारे को समझ आया होगा अब क्या ब्रेक स्टेटमेंट वाइल लूप में वर्क करता है ये yes, बिल्कुल करता है ये देखो ए इज इक्वल टू जीरो मैंने लिखा वाइल ए इज लेस देन टेन ठीक है और मैंने लिखा प्रिंट ए और यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू ए प्लस वन तो ये मेरा लूप था इसको अगर मैं रन कर रहा था तो क्या हो रहा था जीरो से लेकर नाइन तक मैं प्रिंट कर रहा था सही था ना वॉट इफ मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ ए इज इक्वल टू इक्वल टू फाइव

पांच ऐसे पांच बार चलता है लूप एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार मैंने अगर सेकंड वाले चलाने में मैंने ब्रेक लिख दिया तो इसके आगे तो जा ही नहीं सकता ये ये वाली फालतू चीजें हो गई इन सबको नहीं चलाएगा सिर्फ वन और टू चलेगा क्यों क्योंकि मैंने यहां पे एक ब्रेक लगा दिया था तो ऐसा क्या करे कि भाई मैं इस वाले स्टेटमेंट में बीच से कंटिन्यू मतलब ऐसा समझ लो वापस से एक दो तीन चार पांच कि इस वाले स्टेटमेंट को मैं नहीं चलाना चाहता बाकी सब चलना चाहते हैं तो अब ऐसा क्या कर सकता हूं तो यहां पे तुम यूज कर सकते हो कंटिन्यू स्टेटमेंट का आई विल एक्सप्लेन यू हाउ कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क होता क्या है ना कि जब भी तुम एक इटरेशन कर रहे हो फॉर आई इन रेंज होमा ट्वेंटी कॉमा वन का ये वैसे कॉमा लिखने की जरूरत नहीं हो ट्वेंटी वन लिख देता हूं ठीक है तो अब होने क्या वाला है मैंने यहाँ पे एक चीज करी मैंने यहाँ पे लिखा इफ इफ नहीं मैंने लिखा प्रिंट आई और थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे तुम्हारे को समझ आएगा ग्यारह तक एक से लेकर दस तक ठीक है मैंने रन किया तो एक से लेकर दस तक बराबर प्रिंट हो रहा है मजा आ रहा है अच्छा लग रहा है लुक लेकिन मैंने बोला यार मैं नहीं चाहता फाइव प्रिंट हो।, हो मैं चाहता ही नहीं हूँ फाइव प्रिंट हो मैं चाहता हूँ वन से लेकर टेन तक प्रिंट हो मैं फाइव प्रिंट नहीं करना चाहता तो उस चीज़ के लिए पता है मैं क्या करूंगा मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा अब कंडीशन कैसे लगाऊंगा मैंने बोला इफ आई इज इक्वल्स टू इक्वल्स टू फाइव तुम मेरे उसको कंटिन्यू कर देना मैंने क्या करा? अगर मेरी की वैल्यू फाइव हो गई, तो मेरे लूप को continue करते ना? Continue का मतलब क्या होता है? कि हर वही बीच में, तो में रोक देगा और वापस से चला जाएगा ठीक है तो फाइव पे मैंने जैसे आया तो मैंने लिखा टू फाइव, फाइव ये अंदर जाएगा उसने क्या पढ़ा कंटिन्यू और नीचे जाना ही नहीं किया क्यों क्योंकि कंटिन्यू लिखा था और वापस से ऊपर चला गया तो कभी भी एक फॉर लूप के किसी को बीच से जब भी ब्रेक करना रहता है तो, मैं तो जैसी मैंने वाला थ्री हुआ फोर हुआ, हुआ, हुआ लेकिन जैसी में फाइव प्रिंट करने वाला था मुझे पता है कंटिन्यू हो गया होगा तो फाइव के लिए वो प्रिंट नहीं कर पाया फिर सिक्स हुआ सेवन हुआ एट हुआ नाइन हुआ अगर तुम चाहते हो और दो तीन नंबर आई इज इक्वल टू इक्वल टू सेवन और आई नहीं, तो सब नहीं हुआ छ हुआ सात नहीं हुआ आठ नहीं हुआ नौ हुआ और दस हुआ क्योंकि सा, पांच सात और आठ के लिए मेरा लूप कंटिन्यू हो चुका था सो दिस इज वॉट कंटिन्यू मीन्स और इसको सेम तरीके से अपन वाइल लूप में भी यूज कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो वाइल में और फॉर में ब्रेक और कंटिन्यू अगर तुम्हें समझ आ गया तो तुमने मेनली पूरा बेसिक्स क्लियर कर लिया कि कैसे वाइल्ड लूप्स को और फॉर लूप्स को यूज़ करते हैं बट अभी तुम्हारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ पूछो क्यों क्योंकि इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग अगर फॉर लूप और वाइल्ड लूप के तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़े तो मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी तुम्हारे को कुछ नहीं आता पूछो क्यों क्योंकि वो ही मेन चीज़ है और उन्हीं से डिराइव होता है अपना लॉजिक कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है होता क्या है ना लेट्स uh, से मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हारे को मैंने बता दिया बचपन में जब तुम बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करा करते हो के? और तुम्हारे को बचपन में मैंने एक चीज समझा दी कि भाई ये होता है एडिशन साइन इसमें दो चीजों को जोड़ के रख दिया जाता है ये होता है माइनस का साइन इनको इन दोनों चीजों को घटा के रख दिया जाता है तुम्हारे को समझ आ गया ठीक है भाई इसमें इसको जोड़ते हैं इसमें घटाते हैं लेकिन कैसे जोड़ा जाता है उसका कॉन्सेप्ट अपन ने बचपन में सीखा उसकी पढ़ाई करी उसकी प्रैक्टिस करी इसलिए आज के समय में अपन लोग को जैसे किसी दो नंबर को जोड़ना होता है प्रोग्रामिंग राइट नाउ तुमने पढ़ लिया पूरा बेसिक्स पाइथन का कि क्या होता है कैसे फॉल लूप वर्क करता है कैसे वाइल्ड लूप वर्क करता है किस तरीके से सारी प्रोसेस होती है लेकिन तुमने अभी एक मेन चीज छोड़ी हुई है और पता है क्या है वो मेन चीज वो मेन चीज है क्वेश्चन सॉल्विंग तो प्लीज इसके नेक्स्ट वीडियो को तो बिल्कुल रेडी रहना और उसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा अगर तुम्हारे को अच्छा प्रोसेस करना है अपना पूरा सीखना है पाइथन को ठीक है तो चलो भाइयों मेरे को बहुत मजा आया ये मेरी पहली वीडियो थी एंड आई होप यू लाइक डिट अगर अच्छी लगी हुई हो तो एक कमेंट कर देना और कमेंट में लिख देना हैश टैग टिल दी एंड टिल दी एंड मतलब तुम्हें दिख रहा होगा हैश टैग टिल द एंड स्क्रीन पे ये मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता चल जाएगा किस किसने लास्ट तक ये वीडियो देखी है ठीक है तो प्लीज यूज दिस हैश टैग टू तो टेल मी कि तुम लोग लास्ट तक देखे हो इस वीडियो को एंड सीरियसली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप यू लाइक डिट एंड मैं कोशिश करूंगा आगे और अच्छे वीडियोस बनाऊँ और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझाऊँ क्योंकि अपन का पूरा प्रोसेस यहाँ रुकेगा नहीं अभी अभी बहुत सारी चीज़ें अपने वो कंप्लीट करनी है बहुत बहुत सारी चीज़ें इसके बाद तो अपने को डेटा स्ट्रक्चर्स को भी देखना है डेटा स्ट्रक्चर मतलब लिस्ट अपल डिक्शनरी सेट्स को और फिर इसके बाद अपन को देखना है कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करती है फिर उसके आगे अपने को देखना है नम्पाई पांडा मैट प्लॉट लिप सी बॉन डेटा एनालिसिस पावर बी देखना है पावर बी आई के बाद मशीन लर्निंग अरे देर आर लॉट्स ऑफ थिंग ठीक है तो प्लीज़ जुड़े रहना इस सीरीज़ में अपन मिलते हैं कभी और किसी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय थैंक यू